हेलो हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आशा और उम्मीद करते हैं कि सभी साथी जबरदस्त होंगे और गजब तरीके से आप सभी अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सभी साथियों को मेरा प्रणाम, सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फुंतरू जी के ऑनलाइन परिवार में। आशा और उम्मीद है कि आप सभी साथी अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे और अपनी सभी लोग पढ़ाई में भी जबरदस्त तरीके से लगे होंगे। साथियों, आपको जैसा कि पता है कि हम लोग 3250 प्लस सीरीज की किताब का खात्मा कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा जो सेट नंबर 39 है, हम वो डिस्कस करेंगे। सक्सेसफुली हम 38 सेट कंप्लीट कर चुके हैं और आज 39वें नंबर के सेट की बारी है। सभी लोग रेडी हो जाइए। यह क्लास जो है वो डेली शाम 8 बजे से चलती है। एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई, एनटीपीसी ग्रुप डी और कोई भी स्टेट एग्जाम जिसमें मैथ या रीजनिंग आता है, ये क्लास आपके लिए यूजफुल है। आप इस क्लास से अपनी स्पीड और नए नए तरीके, ये सारी चीजों को गेन कर सकते हैं, अपडेटेड क्वेश्चनों का मटेरियल गेन कर सकते हैं। तो डेली 8 बजे चलती है, आप सभी लोगों को मालूम है। सभी साथियों को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। साथी, जब तक हम जरूरी जानकारी सभी नए छात्रों को दे रहे हैं, तब तक जितने भी अपने पुराने साथी हैं, वो सभी साथी जो हैं वो एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर देंगे। यहां पर एक बच्चा है सुचांद गोरई, आप क्यों ये कर दिए? तो बेटा ऐसा है कि इसका जवाब हम लास्ट में दे देंगे, अभी पढ़ाई कर लो, ठीक है। स्टार्टिंग में बेमतलब की बातें नहीं करें। आप पता नहीं कहाँ पे किस दुनिया में हैं, जिस बात को हो गए हैं 5-6 महीने, अब आपको अब होश आ रहा है, अब आप पूछने आ गए हैं, या हो सकता है कि अब चैनल मिला हो आपको। तो बेसिकली ये है कि सब चीज़ें हम बता देंगे, आप 987 ये नंबर दिख रहा है ना, इस पर कॉल कर लेना, ठीक है। तो भाई एप्लीकेशन आप सभी लोग जो है वो अपना डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर ऊपर लिंक जो है वो चिपकी हुई है, आप लिंक के माध्यम से भी हमारा ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐप को डाउनलोड करके अपना नंबर वगैरह डालेंगे, एक ओटीपी आएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्टोर का, आप इस स्टोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला आपको बैच दिखेगा यकीन, जो कि लोको पायलट के लिए है। दूसरा बैच आपको दिखेगा बिहार SSC, जो कि अभी वैकेंसी आई है उसके लिए है। तीसरा बैच आपको दिखेगा मिशन वर्दी, जो कि SSC, GD, UPSI और यूपी पुलिस के लिए। ये तीन बैच अपने ऐप पर चल रहे हैं। तो सभी साथी जो है भाई एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको जो यकीन बैच दिखेगा वो कंप्लीटली डेडिकेटेड बैच है लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए, पूरी तरह समर्पण बैच है एक तरीके से। इसमें लोको पायलट और टेक्नीशियन के साथ साथ आप अपनी रेलवे की बाकी के जो रेलवे के एग्जाम है, जैसे आरपीएफ है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, इन सबकी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। इस बैच में आपको मैथ, रीजनिंग, BSED, साइंस, GK, ये सब कुछ मिलेगा। रिकॉर्डेड कंटेंट भी सभी चैप्टरों का दिया जाएगा आपको, और क्लासें लाइव डेली चलती हैं 11 से 12, 1:30 से 1:30 और 1:50 से 2:50, ठीक है भाई। तो सभी लोग जुड़िएगा बिना देरी किए हुए। आज 27 तारीख है और इसका लास्ट ऑफर डेट भी आज ही है। आपको पता होगा कि हमने परसों एक आपको ऑफर दिया था इस बैच में 25 से 27, यानी 2 दिनों का। तो आज 27 तारीख है, अभी कुछ समय के बाद यानी रात 12 बजे के बाद इस यकीन बैच की जो फीस है वो हो जाएगी 800। अभी 12 बजे से पहले आप इसको 599 में ज्वाइन कर सकते हैं। हजारों की संख्या में इस बैच में बच्चे जुड़ गए हैं, आप भी बिल्कुल लेट ना करिएगा। तो ये भाई जानकारी थी आप सभी के लिए। इजाजत दीजिए आज की क्लास को स्टार्ट करने के लिए, जल्दी से सभी साथी आज की क्लास शुरू करने की इजाजत जो है वो ग्रांट करें। सभी साथी भाई फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार जल्दी से क्लास को सभी लोग शेयर और कर दो मेरे भाई, जल्दी से सभी साथी जो है एक बार क्लास को शेयर कर देंगे और उसके बाद अपन लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। सभी लोग जुड़ रहे हैं, विनायक मोड हैं, राज हेल्डर हैं, दीपक प्रसाद हैं, अजय मेहरा हैं। गेम शुरू किया जाए तो चलो जल्दी से भाई रेडी हो जाओ। आर यू रेडी? सभी लोग जल्दी अर्जेंट में यस सर लिखकर भेज दीजिएगा विद फायर स्टिकर, तो फिर हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार पेपर है आज का, मजा आ जाएगा आपको पढ़कर, जल्दी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आज की क्लास का आप सभी की आंखों के सामने है, आराम से सवाल की रीडिंग लगाएं, पढ़ें सवाल और आंसर करने की कोशिश करें बड़े प्यार से, ठीक है भाई। हम थोड़ी सी ब्राइटनेस इसकी कम करते हैं जस्ट फॉर द विजिबिलिटी, कि आपको सवाल अच्छा दिखने लगे। चलो पढ़ें सवाल। पहला सवाल आज की क्लास का है आपके सामने। सवाल ये कह रहा है कि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज जो है वो 309 रुपया है और साधारण ब्याज जो 2 वर्ष का है वो 300 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें कि क्या होगा। अब ये बहुत ही फेमस सवाल है कि 2 साल का हमें चक्रवर्ती ब्याज दिया है और 2 ही साल का हमें साधारण ब्याज दिया है। अब इस सवाल में आपको ध्यान ये रखना है साथी कि हर साल साधारण ब्याज जो होता है वो बराबर होता है, हर साल साधारण ब्याज जो होता है वो बराबर होता है।
तो जैसे अगर 2 सालों का साधारण ब्याज 300 रुपया है, तो पहली साल भी साधारण ब्याज 150 होगा और दूसरी साल भी साधारण ब्याज 150 होगा। दोनों ही साल में साधारण ब्याज आपस में बराबर होगा, तो 150 और 150 साधारण ब्याज हो जाएगा 2 साल का। अब आपको समझना यह है कि जो पहली साल साधारण ब्याज होता है ना, वही पहली साल चक्रवर्ती ब्याज भी होता है, क्योंकि पहली साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज आपस में बराबर होते हैं। तो अगर पहली साल साधारण ब्याज 150 है तो चक्रवर्ती ब्याज भी 150 होगा, और टोटल चक्रवर्ती ब्याज है 309, तो इसका मतलब कि दूसरी साल चक्रवर्ती ब्याज रहा होगा 159 रुपये, 159। ठीक है, दूसरी साल जो चक्रवर्ती ब्याज रहा होगा वो रहा होगा 159 रुपये, 159। तो आप यहाँ से डायरेक्ट जो है वो रेट निकाल सकते हैं कि भाई हमें 9 रुपये का सर ब्याज मिला है, 9 रुपये का ब्याज हमें 150 पर मिला है, गुणा 100 कर देंगे आप यहाँ पे, 0 से 0 कटेगा, 15 × 96, आंसर आ जाएगा 6%। ठीक है, तो जो रेट है सवाल की वो जाएगी 6%, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस सवाल का आंसर ठोक दीजिए सभी लोग। ठीक है, 6% सभी साथी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 6%। क्लियर है सर, आज क्लास जल्दी स्टार्ट कर दी आपने, आप उसी भ्रम में रहे कि लेट होगी स्टार्ट, तो भाई आंसर क्या आ जाएगा, 6%। यू वी सिंह, इंद्रजीत कुमार, सुनील एलपी, नेहा कुमारी, राज हेल्डर, श्रीकांत, सूरज भारतीय, नमन टीवी, सभी साथी जो है वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, 6%। अगला सवाल आज की क्लास का आप सभी साथियों के सामने है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 मेरे प्यारे भाई आज की क्लास का आप सभी के सामने है, आंसर बताएं आराम से। दूसरा सवाल कह रहा कि किसी त्रिभुज का जो परिमाप है वो 28 सेंटीमीटर है और इसकी अंतः त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताइएगा, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बताता हूं कि जैसे त्रिभुज का परिमाप दिया है और त्रिभुज की अंतः त्रिज्या दी है और क्षेत्रफल पूछा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डेल बराबर आर इंटू एस, डेल बराबर स्मॉल आर इंटू एस। मेरे प्यारे भाई यहां पर जो स्मॉल आर है वो है इन रेडियस यानी 3.5, और यहां पर जो एस है, एस ये है सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप, तो पूरा परिमाप है 28, तो अर्ध परिमाप क्या होगा, 28 का आधा 14। अर्ध परिमाप क्या होगा साथी, 28 का आधा 14। अब 14 × 42 और 14 × 75, 70 का 7 लेंगे क्योंकि पॉइंट लगा है, और 42 और 7 आंसर सवाल का आएगा 49। ठीक है, 42 और 7 आंसर जो है वो सवाल का क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए ठोक दीजिएगा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, जल्दी बोलो भाई सभी साथी, जल्दी से बोल दे, क्लियर है मेरे साथी, जल्दी बताएं। हाँ जी क्लियर है सभी लोगों को, आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रखिए, डेल बराबर स्मॉल आर इंटू एस, जहां स्मॉल आर होती है अंतः त्रिज्या और एस होता है सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप, पेरीमीटर का आधा, तो 28 का आधा 14, गुणा कर देंगे डायरेक्ट एरिया आ जाता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे भाई किसका, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अंतः त्रिज्या वाले त्रिभुज का। अगला सवाल आपके सामने, पढ़ें जल्दी से, क्लियर है, ठीक है। अगला सवाल है आप सभी के सामने कि भाई 42 घोड़े 27 दिनों में 270 किलोग्राम मकई खाते हैं। अब सवाल ये कह रहा है कि भाई 42 घोड़े जो हैं वो 27 दिनों में, सवाल कह रहा है कि 270 किलोग्राम मकई का सेवन कर सकते हैं, तो यदि केवल 21 घोड़े खाएं 300 किलोग्राम मकई तो वो कितने दिन के लिए चलेगी, यानी D2 आपसे पूछा है। तो भाई ये जो सवाल है ये किस आधार पर बेस्ड है, M1D1H1 MDH कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था उस पर आधारित है कि 42 घोड़े 27 दिन में 270 किलोग्राम मकई खाते हैं, तो 21 घोड़े 300 किलोग्राम मकई कितने दिन में खाएंगे, तो M1D1/W1 बराबर M2D2/W2 लगा देंगे। तो भैया 27 से 270 कटेगा 10 बार, 1 0 से 1 0 काट दीजिएगा, 3 7 21 3 9 30, 7 × 42, 10 × 6 करोगे तो 60 आंसर आएगा सवाल का। ठीक है, ये 10 का इस 6 में गुणा हो जाएगा ना आके इधर, तो 10 सिक्का, D2 का मान 60, 60 डेज ऑप्शन सी। ठीक है भाई, 60 डेज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। संजीव साहू, नरेंद्र कुमार, गजेंद्र कश्यप, सिद्धांत कुमार, सोनू, सूर्यकांत यादव, धीरज चौधरी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सभी साथी, बहुत शानदार। चित्तरंजन पृष्टि, बहुत बढ़िया बाबू, गजब गजब, कमाल कर दिया सुरेंद्र सिंह। चलिए अगला सवाल आज की क्लास का आप सभी के सामने ही रहा, पढ़ें आराम से। अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का आप सभी के सामने, कोशिश करें कि आपका आंसर देखिए सबसे पहले आए, ठीक है, बाकी जो बच्चे आंसर दे रहे हैं उनसे पहले आपका आंसर आना चाहिए, ऐसी आपकी कोशिश होनी चाहिए। अपने आप से बोलो कि मुझे आंसर सबसे पहले करना है, ये बोलो तभी होगा, ठीक है, खुद से कहो कि आंसर जल्दी करना है मुझे। ये सवाल क्या कह रहा है भाई, सवाल कह रहा है कि 2:3 का अनुपात है
और दो संख्याओं का एलसीएम 48 है, उनका योग पूछा है। तो मुझे मेरे प्यारे भाई, अगर दो संख्याएं आपको दे रखी हैं जिनका अनुपात 2 और 3 है, तो आप प्यार से इनमें एक्स लगा लेना, ध्यान रखना, ठीक है। आप नफरत भुला के एक्स लगा लेना यहाँ पर, तो खुर पे हाथ में नहीं आएंगे। अगर आपको वो नफरत रही याद और आपने एक्स नहीं लगाया तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ जी बताइए बाबू। हाँ जी बोलिए। रेलवे का बैच चाहिए था बेटा, तो आप हमें 1 घंटे बाद कॉल कर लेना, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है बेटा, 1 घंटे बाद कॉल कर लेना बस। चलिए, तो ये कह रहा है कि भाई 2x और 3x का यहाँ पे अनुपात है और एलसीएम है इसका 48। अब मेरे भाई एक बात बताओ, जब भी ऐसा हो ना तो आप इनका गुणा कर दो, 3 × 6 और x को एक बार रख दो, यही एलसीएम होता है। और 6x का जो मान है वो भैया 48 दे रखा है, तो 6 × 8 = 48, यानी एक यूनिट का या x का जो मान आएगा वो 8 आ जाएगा। तो 6 × 8 = 16 पहली संख्या आ जाएगी और 8 × 3 = 24 जो है वो दूसरी संख्या आ जाएगी। सवाल कह रहा है कि इनका योग बताइएगा, तो 24 और 16 = 40 हो जाता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, यहाँ पे कई गणितज्ञ होते हैं, उन्हें लगता है कि सर बिना एक्स के भी तो सवाल हो जाएगा, 3 × 6 = 48, 8 × 16 = 24 जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। तो खुरपे तब हाथ में आते हैं जब यहां पर एलसीएम की जगह गुणा दिया होता है। इसीलिए मैं स्टार्टिंग से स्टूडेंट को यह आदत डलवाता हूं कि या एलसीएम एचसीएफ का सवाल हो या रेशियो का, अगर गुणा है या एलसीएम है तो नंबर में एक्स लगाना सीख जाओ, क्योंकि अगर यहां गुणा दिया होता 48 तब अगर आप एक्स नहीं लगाते, डायरेक्ट 3 × 6 = 48 करते तो आंसर गलत हो जाता, क्योंकि एक्स लगेगा तो 3 × 6 = x² हो जाता है यहां पे। तो फिर x² = 8 आएगा, तो x = 2√2 आएगा, तो फिर चीजें बदल जाती हैं, आंसर बदल जाता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए एक्स लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा, बिना एक्स के ऐसे सवाल को मत किया करिए। अगला सवाल आपके सामने, बोलो जल्दी। अगला सवाल है मेरे प्यारे भाई आप सभी के सामने, आंसर बताएं क्या होगा। ये डांस क्यों कर रहा है मतलब में? चलिए अगला सवाल है, बोले आंसर क्या होगा आराम से। कह रहा है कि 1 सही 1/4 स्पीड में, इसको सॉल्व करके पहले लिख दो स्पीड में, इसको जल्दी करना सभी लोग, ठीक है। 4 × 1 = 4 और 1 × 5/4 आ जाएगा, ये आपका 6 × 6 और 1 = 7/6 आ जाएगा, 8 × 8 और 1 9/8 आ जाएगा, और बराबर में यहाँ पर क्या है, स्टार की जगह पर एक्स लिख दो आप, और 12 × 12 और 1 13/12, ठीक है। यहाँ से हमें एक्स का मान निकालना है, अगर हमें एक्स का मान निकालना है तो ये 13/12 यहाँ प्लस का है, यहाँ ये गलत कर रहा है, इसको इधर माइनस में ले आओ 13/12 को, और डायरेक्ट इधर एक्स लिख दो सामने। तो कहने का मतलब केवल इतना है कि जो अभी आपके सामने लिखा हुआ है इसका आपको सॉल्यूशन बताना है। अब नीचे 4, 6, 8 और 12, इन सब का एलसीएम हो जाएगा मेरे साथी 24, क्योंकि इन सभी से 24 कट रहा है। तो 4 × 6 = 24, 6 बार कटा, 6 × 5 = 30 लिख दो यहां पे, 6 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, 8 × 3 = 24, 9 × 3 = 27, 12 × 24, 13 × 26, ठीक है भाई। अब इनको सॉल्व कर लो आप मोहब्बत से, तो 28 और 30 = 58 हो जाएगा और 27 और 26 = 53 हो जाएगा। तो 58 में से जब आप 53 घटाएंगे तो आपका बचेगा 5 ऊपर और 24 नीचे, तो आंसर आ जाएगा भाई 5/24। आपको बस जल्दी सॉल्व करना रहेगा, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे गुजर नहीं होगी। मैंने क्या कहा, 30 और 28 = 58, 27 और 26 = 53, 58 में से 53 घटाओगे 5 बचेगा 5/24। कैलकुलेशन फास्ट होगी तो आप आंसर जल्दी कर पाएंगे। अगला सवाल है आपके सामने, बोलो भाई जल्दी। श्रीकांत कुमार, 7/24 कट गया बेटा, 7/24 नहीं होगा, कट गया है बिल्कुल। राजा कुमारी, प्रिया कुमारी, बिल्कुल सही जवाब है बाबू, ठीक है। सुब्रता विश्वास, चलिए विवेक कुमार का भी आंसर सही, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए और बी की आयु का अनुपात 5:6, उनकी आयु का योग है 55, तो 6 और 5 = 11, 5 = 55, 5 = 25, तो ए की आयु पूछे तो इससे घटिया सवाल इस पृथ्वी पर नहीं बना है, ठीक है। 6 और 5 = 11, 5 = 55, 5 बार कटा 5 = 25, ए की उम्र आ गई 25, ठीक है। तो दिस इज हाईली लल्लू सवाल। अगला सवाल है आज की क्लास का आप सभी के सामने, इसमें चालान कटेगा आप सभी का, आराम से पढ़े इस सवाल को, ठीक है। चालान विल बी डिडक्टेड, जल्दी से आराम से करना भाई। हेलो हेलो, हाँ जी बताइए। यकीन बैच लेना है तो आप 1 घंटे बाद हमें कॉल कर लेना, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ यूट्यूब की, आप यूट्यूब पे आके क्लास लीजिए, ठीक है। फिर जैसे ही क्लास एंड हो आप कॉल कर लेना, ठीक है बेटा, ठीक है। बताइए क्या होगा इस सवाल का आंसर जल्दी। डी के राज बिहारी, हितेश मकवाना, अमित कुमार, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सभी लोग। लेकिन पिछले सवाल का, इसका कट गया है आपका, इसका आंसर आप गलत दे रहे हैं भाई। जो भी बच्चा इस सवाल का आंसर 53 या 73 दे रहा है, चालान विल बी डिडक्टेड, चालान कट चुका है,
63 वालों का आंसर बिल्कुल सही है। ये कह रहा दो अंक की संख्या के इकाई के स्थान पर तीन है। अब सारे ऑप्शनों में इकाई के स्थान पर मेरे भाई तीन है। फिर इसने कहा कि इसके अंकों का योग जो है वो इस संख्या का 1/7 है। तो संख्या बताओ, अब संख्या आप 63 लो जैसे, तो 63 का 1/7 कितना होगा मेरे प्यारे भाई? तो आप कहें 7 9 63 9 होगा सर। अच्छा 63 के अंकों का योग भी कितना है? 6 और 3 9। और यही ये कह भी रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर भी 63। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर भी 63 बिल्कुल सही जवाब है साथी। अगला सवाल आज की क्लास का आप सभी के सामने ही रहा। अगला सवाल, दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 75 है। अब देखिए यहां एलसीएम आ गया, तो याद रखो ये आप भी समझ लो, 5 15 75 और एक यूनिट की वैल्यू 5 आ जाएगी, ये कोप्राइम है तो आंसर 5 आ जाएगा। दिस इज नॉट अ मतलब ऐसा कुछ बड़ा टास्क की ये कोई कर नहीं पाएगा, ये सब कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आप मेरा एक पॉइंट समझने का प्रयास करना कि ये जो चीज होती है ये गलतियां बहुत करवाती है पेपर में। तो इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू कि आप ये चीज ना करें कि 5 3 15 75 एक यूनिट की वैल्यू 5 है और ये कोप्राइम नंबर है तो 5 उत्तर होगा। 5 होगा, गारंटी से होगा, और ये सही भी है जो अपन कर रहे हैं, लेकिन ये बाकी सवालों में आपका चालान कटवा देती है ये वाली आदत। तो आपको करना क्या है, मोहब्बत से एक्स मान लो 5 3 15 x, इसका एलसीएम ले लो और उसके बाद 75 के बराबर रखो, तो एक्स का मान यहां से 5 आ जाएगा। इसके बाद संख्याएं निकालो दोनों, तो 5 3 पहली संख्या 15 और 5 25 दूसरी 25 हो जाएगी, और 15 और 25 का हाइएस्ट कॉमन फैक्टर 5 ही होता है। ऐसे करो समझ कर, 15 और 25 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 होता है, इसमें कोई दोहराई नहीं, लेकिन जैसे हम बता रहे हैं वैसे किसी रीजन की वजह से बता रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ में आएगा आपको जब कभी वो सवाल आएगा जिस सवाल की वजह से हम आपसे ये करवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अधिकतम स्टूडेंट यही गलती करते हैं, वो आपको नहीं करनी है। अगला सवाल है आप सभी के सामने, बताएं आंसर क्या होगा आराम से जल्दी। 2508 में भागे भाई 12.54 का प्लस एक्स गुणा 11 बराबर 200 है। एक्स का मान पूछा है, एक्स का कोई मान नहीं है, मैं आपको बता दूं एक्स अमूल्य है, एक्स जो है उस जैसा कोई नहीं हो सकता है, ये फैक्ट है, आप समझिए मेरी बात को। फिर भी ये मान पूछ रहा है तो हम बता देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। 11 का एक्स में गुणा कर देंगे, 11x हो जाएगा बराबर 200। बस मामला ये है कि इस नंबर को ही सॉल्व करना है, तो पॉइंट हटाओ यहाँ, 2 0 बढ़ाओ, और अगर तुम्हें ना दिखे तो मैं दिखा दूं कि 154 दूनी 54 दूनी 108 होता है, तो 1254 दूनी 2508 हो जाएगा, गारंटी से 200 आ जाएगा। आप काट के देख ले, 2 4 8 2 5 10 0 हासिल, 1 2 4 और 1 5, 2 1 2 200 आ गया, और इस 200 से ये 200 जो है वो कट के 0 हो जाएगा, 0 200 माइनस 200 0, तो 11 का भाग लगेगा 0 में, तो x का जो मान है वो 0 आ जाएगा। देखिए गारंटी आप समझिए, x का कोई रियल में मान नहीं होता, ये मैंने पहले ही बोला था, सवाल भी कह रहा है कि 0 है, x शून्य है, x कुछ नहीं है, ठीक है, 0 है। बी ऑप्शन जो है वो सभी लोग आंसर दे रहे हैं, सवाल का बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सभी लोग। ठीक है, अगला सवाल है आप सभी के सामने, बताइए सवाल का आंसर क्या होगा भाई? अभी देखिए चालान कटवाने वाले सवाल आ रहे हैं, आप अपना थोड़ा सा धैर्य रखें और धैर्यतापूर्वक आंसर बताएं। ठीक है, इस सवाल का बोलो आंसर क्या होगा आराम से, थोड़ा धीरज रख के आंसर बताएं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, धीरज नाम के जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। हाँ जी, मैं सबका आंसर देख रहा हूँ, ठीक है, 0 मुझे अभी तक दिख रहा है, मैं सबका देख रहा हूं, पर सही आंसर बताइए। एक बच्चा कुछ लिख रहा है, गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड भैंस की फोटो लगाए हुए हैं ये अपनी डीपी पर, और ये लग रहा है सर बिहार एसएससी बैच लेना है, 500 रुपए का डिस्काउंट और दे दो, भगवान की दुआ से आपके 10-15 बच्चे हो जाएं। वाह 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 वाह, गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, कमाल कर दिया आपने, आप जैसे लोगों को जोड़कर हम अच्छी वाली चीजें जो चल रही हैं मेहनत से उनमें हम करप्शन नहीं लाना चाह रहे हैं। ठीक है, कि भगवान की कृपा से आपके 10-15 बच्चे हो जाएं, हमें एक भी नहीं चाहिए मेरे भाई, मेरे हजारों बच्चे हो जो तुम लोग पढ़ रहे हो, हमें एक भी नहीं चाहिए, आप समझो मेरी बात को। ठीक है, और अगर रही बात तुम्हें पढ़ना है तो डायरेक्ट कॉल करो और ये नाम चेंज कर लो, और तुम्हारे डीपी पर भैंस छपी हुई है उससे मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि अब इसका जवाब दो, अकल बड़ी होती है या भैंस बड़ी होती है? इसका जवाब दो बेटा, अकल बड़ी है या भैंस बड़ी है? क्यों भाई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बड़ा क्या होता है दोनों में से? तुम ही जवाब दोगे, क्योंकि तुमने डीपी पे भैंस लगा रखी है। ठीक है, अगर तुमने कहा कि भैंस बड़ी है तो हम समझ लेंगे कि तुम बहुत ही प्यारे और बहुत ही प्यारे बच्चे हो। इसका आंसर आप लोग क्या दे रहे हो भाई? डी ऑप्शन दे रहे हैं, निमन टीवी, ऑप्शन नंबर डी। विनोद क्या आंसर होगा?
विनोद कह रहे हैं कि सही आंसर है सर इनका। विनोद का भी कहना यह है कि आंसर इनका सही है। अब चेक करते हैं भाई सही है या नहीं है। एक ये बात बताइए कि यहाँ दो अंक बाद पॉइंट है, अगर आप पॉइंट हटाओगे तो 4/100 हो जाएगा गुणा। यहाँ 4 अंक बाद पॉइंट है, अगर आप पॉइंट हटाओगे तो 123/10,000 हो जाएगा, नीचे 4 0 लग जाएंगे। और 4 का 123 में गुणा करोगे तो 2392 और 4 × 100 = 400, तो 492 हो जाएगा बटे। ये 100 का इसमें गुणा करोगे तो 4 0 ये और 2 वो, तो एक के पीछे 6 0 हो जाएंगे यहाँ पे, 3 और 3 6। ठीक है साथी, अब समझिए जरा प्यार से, ये एक के पीछे 6 0 को हम लिख सकते हैं 10^6, और ये जो 10^6 तुम्हें नीचे दिख रहा है इसको ऊपर ले जाओगे तो 10^-6 हो जाएगा। बहुत प्यार से पकड़ना यहाँ पे बात को, जो नीचे 10^6 दिख रहा था आपको, जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये -6 हो जाएगा। तो 492 × 10^-6 इस सवाल का सही उत्तर होना चाहिए, पर दुर्भाग्य ये है कि हमें कहीं पर भी ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो ये तो गारंटी है कि जो लोग डी दे रहे हैं उनका कट चुका है, क्योंकि यहां -5 है और यहां पॉइंट लगाने है, यानी वो उत्तर कभी नहीं होगा। ठीक है, पहला। दूसरा, यहां पर देखिए 10^-6 है, लेकिन यहां 4 में पॉइंट लगा है कि 4.92 है, तो बी ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। अब आते हैं पहले ऑप्शन पे, 492 × 10^-4। अब 492 फ्रेश यहां पर भी है, लेकिन हमारा तो 10^-6 है, तो यह भी उत्तर नहीं होगा। इस सवाल का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जब 3 गलत हो गए तो चौथे का उत्तर होना मजबूरी है। अब आपके दिल मन में आया जरूर होगा कि सर कैसे होगा, थोड़ा बता दीजिए, तो बताता हूं। यहां 10^-4 है, तो मालूम है क्यों है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि 10^-6 को आप लिख दो 10^-4 और गुणा 10^-2। कोई रोक लेगा? नहीं रोक पाएगा। 6 को हम 4 और 2 में तोड़ दे रहे हैं अलग अलग, कोई नहीं रोक पाएगा, बेस सेम है, तो 4 और 2 जुड़ के 6 ही हो जाएगा। अच्छा, अगर 10^-2 को हम यहाँ पे बटे में 100 का भाग लगा दें तब भी कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि 10^-2 नीचे आएगी तो प्लस की हो जाएगी, भाग लगाएंगे तो 2 0 आ जाएगी। और जैसे ही 492 में 100 का भाग लगेगा तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो 4 × 92 मतलब 4.92 × 10^-4 सी ऑप्शन जो है वो सेट होगा यहाँ पर। ये सवाल का आंसर है, तो डी वालों का कट गया। अभी भी कई सारे पागल लड़के हैं जो डी दे रहे हैं, आप समझिए इस बात को। ठीक है, बाकी पूरा कमेंट सेक्शन सी दे रहा है आंसर, और विनोद हमारा जो है उसको भी हम मारना चाह रहे हैं, मतलब बेसिकली कि डी ऑप्शन आंसर क्यों हो जाएगा भाई। हैं, चलिए अगला। अरे भाई साहब देखिए, अब यहां से अच्छे सवालों की स्टार्टिंग हो गई, अभी हम 11 नंबर के सवाल पर ही है, आराम से भाई आंसर दें। टाइम एंड वर्क का सवाल है, गलत नहीं होना चाहिए साथियों, मैं टांगे आगे तोड़ दूंगा एक आदि की। ठीक है, कार्य और समय का सवाल है, आराम से पढ़ लें। पहले पी अकेला एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, पी और क्यू एक साथ काम करते हुए इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने एक साथ काम को करना शुरू किया, 10 दिनों के बाद क्यू ने कार्य को छोड़ दिया, पी को अकेले उस कार्य को पूरा करना है, तो पी को शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो 18 और 15 90। ठीक है, जैसे इसको सवाल को मान लो डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट तो 18 × 5 = 90, 15 × 6 = 90, 5 तो 1 आएगा, और 6 × 10 = 60, 90 में से 60 घटाओगे 30 बचेगा, 30 बचेगा। अब हमें करना है उसको पी से, पी की एफिशिएंसी 5 थी, 5 × 31, सवाल का आंसर 6 दिन आ जाएगा। ये इसको करने का डायरेक्ट तरीका है, ऑन फिंगर टिप्स, आप इसको ऑन उंगली कर सकते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और मैं बस यही सिखाता हूं हर बच्चे को कि सवाल को कोशिश करो, एकदम से नहीं होगा। आप ये सोचें कि भाई एकदम से हो जाएगा, कि भाई मतलब पहली क्लास में ही एकदम से उड़ा देंगे, नहीं, एकदम से नहीं होगा, पर जरूर होगा एक दिन अगर आपकी कोशिश में दम है। ये मेरा वादा है आपसे, प्रॉमिस है मेरे प्यारे भाई, बहुत बच्चों का हुआ है जो स्टार्टिंग में आपकी तरह कहते थे कि मेरी स्पीड नहीं आ रही है, मैं जल्दी नहीं कर पा रहा हूं, ऐसे ही बहुत बच्चों का हुआ है। ठीक है, जरूर होगा, पर आपको लगातार कोशिश करनी पड़ेगी तब होगगा, मैं ये कह रहा हूं, बस लगातार कोशिश करनी पड़ेगी तब होगा। ठीक है, अब जैसे इसको बेसिक से मतलब पूरा बताता हूँ सॉल्व करके, आप सभी को आप समझिए जरा इसको, पहले प्यार से मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ सवाल को, आप यहाँ पे इसको देखते रहिएगा और हम सवाल का सॉल्यूशन बताते हैं। देखिए, सवाल ये कह रहा था कि भाई पी अकेला जो काम है वो 18 दिन में कर सकता है, और पी और क्यू अगर मिलकर करें तो 15 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद हमने सवाल आगे बाद में पढ़ा, हमने 18 और 15 का एलसीएम ले लिया 90, 18 × 5 = 90, 15 × 6 = 90, पी की एफिशिएंसी जो है वो 5 है, पी की एफिशिएंसी जो है वो 5 है, और पी और क्यू दोनों की 6 है, तो क्यू की 1 हो जाएगी। बहुत ध्यान से सुनना, पी और क्यू दोनों की जो एफिशिएंसी है वो 6 यूनिट है, जिसमें पी की 5 है, तो क्यू की 1 होगी, तभी तो 5 और 1 6 होगा। अब दोनों ने 10 दिनों तक साथ में काम किया है,
और उसके बाद क्यों ने छोड़ा है। तो दोनों एक दिन में मुझे बताओ कितना काम कर रहे हैं, मुझे बताइए आप दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो आप क्या बोलेंगे कि दोनों एक दिन में, ये तो पी को हमने डबल बार ले लिया, ऐसे नहीं जोड़ेंगे, यहां पे अलग से दिया है कि पी और क्यू दोनों एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे हैं। तो इन्होंने 10 दिनों में कितना काम किया होगा, 60 किया होगा। अब यही 60 हम 90 में से घटा देंगे तो बचेगा कितना, 30 यूनिट काम बचेगा। अब ये जो शेष काम 30 बचा है ये पी को करना है और पी की एफिशियंसी 5 है तो 5 × 6 = 30, 6 दिन ले लेगा ये शेष काम करने में। यही सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई बोलिए। डीके राज बिहारी 30/5/6, बिल्कुल सही जवाब है 30/5/6। ठीक है भाई आगे चले साथियों, क्लियर हो गया सभी को ये सवाल। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, बोलो अगला सवाल आज की क्लास का आप सभी के सामने है, पढ़िए सवाल। देखिए सवाल स्टार्टिंग में सरल होते हैं, कभी कभी किसी किसी पेपर में स्टार्टिंग में सरल होते हैं, किसी किसी पेपर को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि स्टार्टिंग में कठिन बाद में सरल। क्योंकि आप ये बात समझिए जैसे लोको पायलट है, अब लोको पायलट के पेपर में गणित के टोटल 45 क्वेश्चन आते हैं, टोटल मैथ के 45 क्वेश्चन एएलपी और टेक्नीशियन में आते हैं। इन 45 में से एक बात मैं यहां क्लियर करके लिख दे रहा हूं कि इन 45 में से 25 क्वेश्चन जो होते हैं ना, 25 ये आराम से नॉर्मल लेवल के होते हैं, मॉडरेट लेवल के। मॉडरेट लेवल होता है इनका, बहुत ज्यादा ना तो कठिन ना बहुत ज्यादा सरल, मॉडरेट लेवल। जैसे कि अभी जो सवाल थे एक आधे को छोड़कर, लेकिन जो 20 सवाल इसमें से बचते हैं ना, 20 ये अच्छे लेवल के आते हैं, ये कठिन लेवल के आते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो 25 हैं ये हर सीरियस एस्पिरेंट जो मेहनत से पढ़ाई कर रहा है वो इन 25 को कर लेता है। तो अगर आप भी वो सरल क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो आप अपने आप को मतलब ये मत समझना कि मतलब मेरी तैयारी अच्छी चल रही है। क्यों? क्योंकि बाकी बच्चे भी ये 25 सवाल कर रहे हैं, तो आप उनसे भी आगे नहीं हैं, बस आप उनके बराबर हैं। सिलेक्शन होता है इनका जो ये ठोंक देते हैं, और इसके लिए भाई कठिन परिश्रम करना पड़ता है, लगातार मेहनत करनी पड़ती है, आप इस बात को समझिएगा। ठीक है, जैसे कि अब ये सवाल है, बताइए मैथ का सिलेबस पूरा होने के बाद प्रैक्टिस कैसे करें बिना जारे कर, ये बात कह रहे हैं। बेटा प्रैक्टिस ही तो करा रहा हूं, करो आंसर बताओ सबसे पहले। सर आप विनोद को विनोद क्यों कहते हैं, असल नाम तो कुछ और है। क्योंकि विनोद हमारे प्यार का नाम, मतलब प्यार का वर्ड है, इसलिए बोलते हैं। ठीक है बोलो भाई। यदि 64 रुपए की राशि 2 वर्ष में बढ़कर 83.20 हो जाती है तो 64 6 और 10 16 और 3 19.2 रुपए ब्याज मिल जाता है। दोबारा समझिए, 64 रुपए की राशि जो है वो बढ़कर 83.20 रुपया हो जाती है तो 2 साल में ब्याज मिलेगा 19.2 रुपए का। आप घटाकर देखिएगा तो हमने लिखा भाई ब्याज हमें 2 साल में मिला 19.2 रुपए का। ठीक है, 2 साल में हमें 19.2 रुपए का ब्याज मिला, तो 1 साल में भैया हमें कितना ब्याज मिलेगा, तो 2 × 18 = 2 × 12 9.6 रुपए का। 1 साल में हमें कितना ब्याज मिलेगा, 9.6 रुपए का। ये 1 साल में जो हमें 9.6 रुपए का ब्याज मिल रहा है ये हमें 64 पर मिलेगा, तो 9.6/64×100। यहां से ब्याज की दर कैलकुलेट कर लो, पहले पॉइंट हटाओ, यहां 0 आएगा, 0 से 0 को उड़ा दीजिएगा, फिर इसको 2 से काट लीजिएगा 32 आ जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए 5 आएगा, 32 × 96 और 5 × 15, यानी रेट जो है, दर जो है मेरे प्यारे भाई वो आ जाएगी 15%। दोबारा समझिएगा, जो रेट है वो आ जाएगी 15%। एक बार और, 2 साल में 19.2 रुपए ब्याज के मिले हैं तो 1 साल में 9.6 रुपए मिलेंगे, कितने पर, 64 पर, तो 9.6/64×100, तो ब्याज बनेगा, ब्याज की जो दर बनेगी वो बनेगी 15% 15%। अब सवाल कह रहा है कि 86 रुपए की राशि 4 वर्षों में उसी दर से कितनी हो जाएगी, तो भाई 15% से 4 साल का ब्याज कितना होगा बताना, 15 × 60% 15 × 60% RT%। दोबारा सुनिए, 15 × 60% यानी RT%। ठीक है, तो 60% ब्याज मिलेगा, हमसे पूछा राशि कितनी हो जाएगी, तो यानी 86 का हम 60% नहीं 160% निकालेंगे, क्योंकि हमें मिश्रधन निकालना है। तो भाई 0 से 0 कट जाएगा, 16 × 96 की 6 हो जाएगा, हासिल 9, 16 × 8 = 128, 128 और 9 = 137, और नीचे 10 है तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 137.6 जो है इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 137.6 चेक करिए, 137.6 लेट्स चेक इट जल्दी से, क्लियर है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं अपनी 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 बात को, एक बार मैं दोबारा दोहरा रहा हूं मेरे प्यारे भाई, प्लीज
मेरी बात को प्यार से सुन लें एक बार में, कईयों को ये समझ में नहीं आया है मुझे मालूम है। 64 रुपए की राशि 2 साल में इतनी हो रही है, तो 2 साल में ब्याज मिल रहा है 19.2 रुपया, 1 साल में 9.6 मिलेगा, 64 पर गुणा कर दिया 100 का, 15% रेट आ गई, 15% से 4 साल का ब्याज बनेगा 60%, 15 × 60 हमें 86 का कम मिश्रधन निकालना है, तो 86 का डायरेक्ट 160% निकालेंगे तब मिश्रधन आएगा 137.6। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई आप सभी की स्क्रीन पर है, पढ़े सवाल आराम से आंसर बताएं इस सवाल का क्या होगा बड़े प्यार से, ठीक है भाई। ट्रेन का सवाल है, रेलगाड़ी का सवाल है, आराम से आंसर बताएं, ठीक है, आराम से जल्दी। आज गणपति विसर्जन भी है, तो एक बार सभी साथी जो हैं गणपति बब्बा मोरिया लिख देंगे कमेंट सेक्शन में, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज गणपति विसर्जन भी है, आज भारत के हर राज्य में खासकर महाराष्ट्र में और इधर साइड में आप चले जाइए वेस्ट बंगाल साइड में बहुत ही भव्य तरीके से गणपति विसर्जन जो है वो मनाया जाता है, बहुत ही भव्य तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। हम लोग क्लास में करते हैं क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और हम टीचर हैं और भगवान ये कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, और हम अपना कर्म कर रहे हैं, आप अपना कर्म कर रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं, तो यही पूजा है। बस इसी पूजा के बीच में हम थोड़ा सा भगवान को याद कर लेते हैं। एक बार सभी लोग लिख देंगे गणपति बब्बा मोरिया, सभी साथी क्लास में जरूर लिख देंगे गणपति बब्बा मोरिया, ठीक है। फिर अपन लोग स्टार्ट करते हैं आगे, फिर आगे चलते हैं, मतलब जो अपन कर्म कर रहे हैं इसी कर्म में थोड़ा सा भगवान के लिए एक बार याद कर लीजिएगा गणपति बब्बा मोरिया, सभी लोग लिख देंगे मेरे प्यारे भाई सभी साथी, ठीक है। सभी साथी एक बार भगवान का स्मरण करेंगे और एक बार बोलेंगे कि मुझे इतनी शक्ति दे, मुझे इतनी ताकत दे, कि कभी भगवान से कुछ ऐसा मांगो मत, बस यही बोलो कि भगवान मुझे इतनी शक्ति दे दे केवल कि मैं अपना कर्म और पूरी ईमानदारी से कर पाऊँ, मैं मेहनत पूरी ईमानदारी से कर पाऊँ और अपना थोड़ा सा आशीष बनाए रखना, हम खेल जाएंगे लाइफ में, अच्छा कर जाएंगे। बस यही मांगा करो कि बस मुझे इतनी शक्ति है, नहीं कि मुझे ये दे दो वो दे दो फलाना दे दो ढिमका दे दो कोरे में, नहीं, ये कह दो कि भगवान मैं मुझे इतनी ताकत दे कि मैं मेहनत कर पाऊँ लाइफ में, फिर तो तुम दोगे ही, अगर मैं मेहनत करूँगा तो तुम दोगे, सीधी बात है, ठीक है। चले गणपति बप्पा मोरिया सभी ने लिख दिया, बहुत बढ़िया शानदार। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 सेकेंड में 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो भाई ऐसी स्थिति में रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई आपस में जोड़ दी जाती है भाई, तो ये 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और रेलगाड़ी की लंबाई 120 है, तो 220 मीटर डिस्टेंस हो जाएगी टोटल, और 10 सेकेंड में पार करती है, तो ये टाइम का यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है चाल, और चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है, तो हम यहाँ गुणा कर देंगे 18/5 का, तो डायरेक्ट किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्जन हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 18 × 36 = 6 हासिल हो जाएगा, 3 × 18 = 36 और 3 × 39 = 30, 396/5 37, और यहाँ बचा 4 × 5 = 45, 5 × 2 = 10, 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर ए, 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, ये आपने बचपन में स्कूल वगैरह में यही प्रेयर तो करवाई जाती थी, याद आ रहा है कुछ? और अब अगर कभी आपको गुनगुनाओ, उस टाइम तो मान लो आप प्रेयर करते थे और प्रेयर करते करते ऐसे आगे प्रेयर कर रहे हो, ऐसे साइड में देख रहे हो, इधर देख रहे हो, उस टाइम तो ये था, लेकिन जब अब कभी आप गुनगुनाते होंगे तो आपको बड़ा सुकून देती होगी ये वाली प्रेयर। मैं तो गुनगुना लेता हूँ अकेले में, सच बता रहा हूँ, बताइए। नमस्ते भाई, नमस्ते। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 होना है। देखिए अब ये कितना प्यारा सवाल है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, पहले तो आप ये समझिएगा कि एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी ये दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो सवाल का कहना है कि भाई इसका परिमाप 32 है और जो आधार है ना इसका, वो जो बराबर भुजाएं उनका 6/5 है, यानी अगर बराबर भुजाएं 5-5 है तो 5 × 6/5 यानी कि 6 है इसका आधार, और हमें परिमाप दिया है 32, तो अपने अकॉर्डिंग परिमाप कितना हो रहा है, 5 × 5 = 10 और 6 = 16, अपने अकॉर्डिंग परिमाप हो रहा है 10 और 6 = 16, सवाल में दिया है 32 यानी दुगना दिया है, 16 × 32 हमें दुगना दिया है, अगर हमें दुगना दिया है तो हम ज्यादा ड्रामा नहीं करेंगे, हम हर नंबर को यहां दुगना ही लिख देंगे डायरेक्टली मेरे प्यारे भाई, हम हर नंबर का यहां दुगना लिख देंगे, ऐसा जैसे ही आप करोगे ना तो देखो 10 और 10 = 20 और 12 = 32 सेट हो गया। अरे बोलते नहीं हो यार तुम लोग, हम डायरेक्ट ही लिखेंगे यहां पे, आप देखिए 5 5 10 और 6 16 हमें दिया है 32 दुगना,
तो हम नंबरों का भी दोगुना कर देंगे यहीं पे, यही रियल साइडें आ गई इनकी। कह रहा है इसका एरिया बताओ, तो एरिया निकालने के लिए हमें इसकी ऊंचाई पता होनी चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में जो आप ऊंचाई गिराते हो वो इस भुजा को आधी आधी कर देगी, छह इधर का छह इधर का, और ये दस और ये छह, तो ये वाली भुजा हो जाएगी आठ, ट्रिपलेट से छह आठ दस। तो आप डायरेक्ट एरिया निकाल पाएंगे, एक बटे दो आधार गुणा ऊंचाई, आधार इसका पूरा 12 है और ऊंचाई जो है वो 8 आ गई है, 2 चौके 8 और 12 चौके 48, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस सवाल का आंसर ठोंक दीजिए सभी साथी, 12 चौके 48, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस सवाल का आंसर ठोंक दीजिए जल्दी से, ठीक है जल्दी से। सर ऑफर आज लास्ट है क्या? बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, यकीन बैच का जो ऑफर हमने दिया था आपको वो आज लास्ट है, 12 बजे से पहले आप जुड़ सकते हैं, मैं क्लास के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, अभी लास्ट में भी बता दूंगा, परेशान मत हो ठीक है। अभी लेकिन पढ़ाई कर लो, अभी टाइम है अच्छा खासा, 3 घंटे हैं आपके पास, तो इतना मतलब ये नहीं है, पहले पढ़ाई कर लो यार ठीक है, पहले पढ़ाई कर लो फिर बाद में आप हमें कॉल कर सकते हैं क्लास के बाद, पर पहले जल्दी से सवालों को उड़ाओ। याद लगा भाई 2401 ये होता है मेरे साथी किसका स्क्वायर, 49 का, 2401 होता है 49 का स्क्वायर, तो इससे बाहर आ जाएगा 49 प्लस 176, ये लिखा है 49 और 176 होता है 225 और 225 होता है 15 का स्क्वायर, तो ये तो महा लल्लू वाली बात है कि सवाल का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ठीक है, महा ही लल्लू बात है कि सवाल का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और इस सवाल का आंसर सबसे पहले जिस बच्चे ने दिया है वो है यूवी सिंह, यूवी सिंह के सिंह, फिर जिंदगी, फिर श्रीकांत कुमार, फिर कौशल सेन ठीक है, और जिंदगी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा तुम्हें, इसीलिए कर लो इस बार पढ़ाई ठीक है। बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे, 14 एक बच्चे ने दिया भाई आपका कट गया है, एक साथी ने 14 आंसर दिया है मेरे प्यारे भाई इनका कट गया है। ये देखिए इसको सवाल को पढ़िए, ये जनसंख्या वाला सवाल है, देखिए ये बहुत फेमस क्वेश्चन है यार है ना, और मतलब एक बात बताता हूँ आपको कि जनसंख्या वाला जो सवाल है ना ये आपको आपके पेपर में देखने को मिल सकता है, बिकॉज ये इस टाइम ट्रेंडिंग में चल रहा है, मतलब इस टाइम शायद ही ऐसा कोई एग्जाम हो रहा हो जिसमें जनसंख्या वाला सवाल ना आ रहा हो, तो थोड़ा सा ये उसमें चल रहा है अभी ट्रेंडिंग में, तो आप जरा इसको सीख लें। कह रहा है कि भाई एक शहर की जनसंख्या जो है 5% की दर से बढ़ रही है ठीक है, एक शहर की जनसंख्या जो है 5% की दर से बढ़ रही है, वर्तमान जनसंख्या 185,220 है, बढ़ रही थी नहीं बढ़ रही है, एक शहर की जनसंख्या 5% की दर से बढ़ रही है, वर्तमान में इतनी है, तो 3 वर्ष पहले कितनी थी, तो 5% की वैल्यू होती है मेरे भाई 1/20, यानी अगर जनसंख्या स्टार्टिंग में 20 थी तो 1 बढ़कर 21 हो गई, दूसरी साल भी यही हुआ होगा 20 से 21, तीसरी साल भी यही हुआ होगा 20 से 21, तो इनका गुणा करोगे तो ये 8000 आ जाएगा और इनका गुणा करोगे तो ये 9261 आता है, ये क्यूब होते हैं जो आपको याद भी होने चाहिए 20 और 21 के। अब देखिए सवाल का कहना क्या वो समझिए आप जरा प्यार से, एक बार सवाल कह रहा है कि अभी वर्तमान ये है, 3 वर्ष पहले बताओ कितनी थी, तो देखिए वर्तमान ये है तो इसका मतलब इसका मान है ये और इसका पूछा है आपसे, तो भाई आप ये कह सकते हैं कि अगर सर इसका मान ये और इसका पूछा है तो जिसका पूछा है उसका गुणा हो जाएगा, यानी 185,220 में 8000 का गुणा हो जाएगा और भाग लग जाएगा 21 गुणा 21 गुणा 21 का ठीक है। क्योंकि आप समझिए यहां पे कई सारे बच्चे गलती करेंगे, इसलिए थोड़ा एक बात है आप सुनिए पहले, कि ये कह रहा है कि ये वर्तमान जनसंख्या इसकी ये और 3 साल पहले बताओ, तो अगर वर्तमान दे रखा तो इसका मान दे रखा है ये और 3 साल पहले ये पूछा है, तो जो पूछा है उसका गुणा हो जाए, ऐसे हो जाएगा ठीक है। अब यहां आपको समझना क्या है, देखो मैं जो समझाना चाह रहा हूं कि साथियों एक चीज नोटिस करो, यहां पर एक चीज नोटिस करो कि किसी भी ऑप्शन में पॉइंट नहीं लगा है, एक चीज नोटिस करना आप और मेरे साथियों कि आप अगर एक चीज यहां नोटिस कर पाए तो लास्ट में जैसे यहां 3 जीरो है और यहां 1 जीरो है और नीचे ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे जीरो कटेगी, तो गारंटी है कि इस सवाल में 4 जीरो रहेंगी लास्ट में, गारंटी है कि इस सवाल में 4 जीरो रहेंगे, यहां लास्ट में 2 जीरो है, यहां 4 है, यहां 3 जीरो है, यहां पर भी 4 है। दूसरा पॉइंट, यहां नंबर में 8 का गुणा हो रहा है तो जो भी आंसर आएगा वो 8 से कटना चाहिए और 8 से मैं आपको बता दूं कि ये कटता नहीं है 18, 4 जीरो को छोड़कर 8 से 18 नहीं कटता है, 4 जीरो को छोड़कर 8 से 16 कटता है, ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा। आप कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं, ये आएगा आपका 9261 ठीक है, 9261 और 9261 से ये नंबर 2 एकम 2 यानी 20 बार कटेगा, 20 गुणा 8000 करोगे आप तो आंसर आएगा इस सवाल का 1,60,000, यही सवाल का आंसर, खत्म हो गया सवाल ठीक है। सारी अप्रोच सारी सोच हमने आपको देने की कोशिश की है।
भाई आज आपसे बोला नहीं है तो आप लोगों ने क्लास में लाइक नहीं ठोका है। आप जरा आप सभी लोग जरा खुद ही देख लें, मतलब आप बोलते होंगे कभी बार, मतलब मन में सोचते होंगे कि सर लाइक के लिए बोलते हैं। आप ये देखो अभी बच्चे कितने लाइव हैं और क्लास में लाइक कितने हैं, मतलब ट्राई टू एक बार देखना जरा। जैसे अगर आपसे बोलो नहीं ना तो आपको मतलब भूल जाते हैं फिर आप हैं। अभी वो कुणाल टेक्निकल एक लड़का है वो लिख रहा है, तो मुझे भी याद आ गया कि भाई सेशन को लाइक और शेयर भी तो करना होता है। सभी लोग लाइक ठोंक दो, बता रहा हूं, नहीं बहुत तगड़े में झापड़ापड़ मार दूंगा मैं खींच के, ठीक है। सभी लोग क्लास को लाइक ठोंक दो भाई, सभी साथी जो है वो क्लास को लाइक ठोंक दीजिए जल्दी से। सभी लोग पहले क्लास में लाइक ठोंके, कमेंट को नीचे करके, जितने बच्चे हैं उतनी लाइक होनी चाहिए इस समय पर, जितने साथी लाइक हैं सभी लोग क्लास में लाइक ठोंको पहले अर्जेंट में, तभी पिटोगे नहीं बेमतलब, मेरे हाथों कुट जाओगे एक आधे। ठोंक दिया, चलो यहाँ दिल भेज रहे हो देखो। चलिए भाई बताइए सवाल का आंसर क्या होगा आराम से। ओ हो, ये तो बड़ा भयानक सवाल लग रहा है, मैं आपको बता दूं। अब इसने देखो अपनी वो रियल दिखाई। निखिल सिंह सर डाउट क्लास के लिए कॉल कब करना है? रात के 11 बजे बेटा, अभी आज रात के 11 बजे कर लेना, तुम्हारी डाउट दूर कर दूंगा, ठीक है। पूरा दिन तुम्हें लोगों को समर्पित है मेरे प्यारे भाई, परेशान ना हो, सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। रात के 11 बजे कॉल कर लेना, मैं कॉल आपका कर दूंगा, ठीक है। सबके टाइम बटे हुए हैं, इस क्लास के बाद सारे वो बच्चे कॉल करेंगे जिन्हें कोर्स लेना है नहीं ले पा रहे हैं। RPF का क्वालिफिकेशन क्या है? आयुष राज, 12th पास आउट होने चाहिए आप, और RPF SI के लिए ग्रेजुएट होने चाहिए आप 12th के साथ, किसी भी ग्रेजुएशन से, ठीक है। हाँ भाई, उड़ान बिंदु से 300 मीटर की दूरी से देखे जाने पर, ऊपर आ जाइए सभी लोग, उड़ान बिंदु से 300 मीटर की दूरी से देखे जाने पर उधर्व दिशा में ऊपर की ओर जा रहे एक गर्म हवा के गुब्बारे का उन्नयन कोण प्रातः 10 बजे 30 डिग्री से बदलकर 10:02 बजे 60 डिग्री हो गया है, तो गुब्बारे की चाल बताइए क्या होगा? बहुत शानदार। अब इसको देखो मैं सॉल्व करता हूँ, एक्चुअली बहुत फेमस क्वेश्चन है, रेलवे ने पूछ लिया है कि जैसे मान लें कि गुब्बारा यहाँ से उड़ रहा है और आप अपना आंखें खोले यहाँ खड़े हुए हैं। अब गुब्बारा मान लो यहाँ पर था, बहुत ध्यान से सुनना, गुब्बारा मान लो यहाँ पर था, तो देखिए जब आप यहाँ से गुब्बारे को देख रहे थे ना स्टार्टिंग में, तो आपकी आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा था, समझना भाई सवाल को, बहुत प्यारा सवाल है। अब गुब्बारा ऊपर की ओर जा रहा है, उड़ रहा है, और जब ऊपर की ओर गया तो आपने देखा यहीं से जब यहां पहुंच गया गुब्बारा, तब आपने देखा कि यार अब तो इसका उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री हो गया है। देखिए ऐसा सवाल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है कि भाई 30 डिग्री उन्नयन कोण था 10 बजे और 60 डिग्री हो गया 10:02 पर, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर 10 यहां पर बज रहे थे सर, अगर 10 जो है वो यहां पर बज रहे थे और 10:02 पे गुब्बारा यहां था, यानी 2 मिनट में ये वाली दूरी गुब्बारे ने तय की है, बोलो हाँ या ना, 2 मिनट में गुब्बारे ने ये डिस्टेंस तय की है। भाई मजा आएगा सवाल में बहुत, अब समझना, ये कह रहा है कि जो उड़ान बिंदु है वहां से 300 मीटर की दूरी पे खड़े हैं आप, इसका मतलब ये है साथी कि ये जो डिस्टेंस है आप यहां खड़े और उड़ान बिंदु ये है, तो ये वाली जो दूरी है 300 मीटर आपको दे रखी है, 300 मीटर, और आपसे पूछा ये जा रहा है, आपसे पूछा ये जा रहा है कि इस गुब्बारे की चाल बताओ क्या है। अब ये लेट्स मेक दिस क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग, पढ़ने वाले देखे बच्चों को मजा आएगा, जो नहीं पढ़ेगा उसके वैसे ही जिंदगी में खुरपे हाथों में आना है, तो उसके पीछे आप पढ़ो ही क्यों, आप पढ़ाई करो मेहनत से। देखो जैसे ये जो है ना मेरे प्यारे भाई, यहां से यहां तक ये 30 डिग्री है, समझना, ये यहां से यहां तक 30 डिग्री है, इसके सामने की जो भुजा होगी वो 1 यूनिट होगी, और अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, और इसके सामने की भुजा जो है, इसके सामने की भुजा √3 होगी, हाँ या ना। अगर ये पूरा 60 है तो, अगर ये पूरा 60 है तो ये वाला 30 होगा, और याद रखना साथी अगर ये 60 है और ये 30 है तो ये 1 है तो ये 2 होगा, ये वाली भुजा 2 होगी। आपको याद है ये ट्रायंगल मैंने हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ाया था कि अगर ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है तो ये 1 और 2 का रेशियो बनता है, तो ये 60 के पास 1 है तो 30 के पास 2 होगा, ठीक है भाई, और 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, ये मैं याद करा रहा हूं आपको। अब √3 का मान 300 है,
रूट तीन का मान 300 है और हमें ये दो यूनिट का मान निकालना है कि भाई दो यूनिट में ये दूरी कितनी है। तो रूट तीन 300 के बराबर है तो दो का मान कितना होगा, दो गुणा 300 600 बटे रूट तीन, ठीक है 600 बटे रूट तीन मीटर ये दूरी है। अच्छा साथी ये जो दूरी 600 बटे रूट तीन है ये आपने कितने मिनट में तय की है, 10 बजे से 10:02 तक, यानी 2 मिनट में ये दूरी तय की है आपने भाई बहुत प्यार से। जैसे यहाँ पे एक बच्चा है कनवार पाल, एएलपी वैकेंसी कब आएगी इसको ये मतलब नहीं सर पढ़ा के आ रहे हैं, वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी जनवरी में आएगी, तुम पेपर निकाल लोगे, खुद से पूछो तैयारी है पेपर निकालने वाली इसलिए पढ़ाई करो। तो साथी दो रूट तीन का मान 300, दो का मान क्या होगा 300 दूनी 600 बटे रूट तीन। अब सोचना क्या है कि ये दूरी 2 मिनट में तय की गई है, 2 मिनट में, 2 मिनट में होते हैं 120 सेकेंड, यानी यह कांटा दूरी मेरे साथी 120 सेकेंड में तय की गई है 600 बटे रूट तीन मीटर, ठीक है। अगर ये 120 सेकेंड में इतनी दूरी तय कर रहा है तो एक सेकेंड में कितनी करेगा, तो मेरे भाई 120 से काट दीजिए 12 × 5 = 60, एक सेकेंड में करेगा 5/√3 मीटर, यही इसकी चाल है 5/√3 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि एक सेकेंड का निकाल लिया हमने, यही इसकी स्पीड है 5/√3। लेकिन आप अगर गौर से देखें तो आपको ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है, क्योंकि वो चाह रहा है कि 5/√3 का मान यहां रखो 1.732 और इससे भाग लगाओ, तो मैं तो भाग नहीं लगा रहा हूं, मुझे ये पता है 1.7 जो है ना ये लगभग 2 तक पहुंच जाता है, तो इससे ये नंबर 5 जो है वो 2 बार कटेगा, तो 2 point something जो है वो सवाल का आंसर आएगा। यार ये तो बहुत ही खराब लोग हैं, बहुत ज्यादा खराब है, ये तो 2 नहीं होंगे कभी, क्योंकि 2 बार पूरा कटेगा नहीं, और ये 3 point है तो उत्तर ये नहीं 2 में से कोई एक है, लेकिन ये बहुत खराब है। पूछो क्यों ये खराब, इसलिए है कि आप जब 1.732 का भाग लगाएंगे 5 में तो ये तो क्लियर है कि 2 बार कटेगा, लेकिन आगे वाले नंबर में ये ड्रामा करवा रहे हैं बेमतलब का। अब आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा मजबूरी में, कुछ नहीं कर सकते आप जब पूरा सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा भाई, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14 हासिल 1, 2 × 1 = 2 और 1 = 3। तो जब आप इसको 2 बार काटेंगे तो ये आपका बनेगा जाकर 3.22 × 4 = 6 × 2 × 7 = 14 = 1, 2 × 2 = 2 और 1 = 3, यानी 3.464 बनेगा जाके। अब 5 में से जब आप 3.464 घटाओगे तो ये बनेगा 1 point something, तो ये गारंटी है अगर 1 point something है तो 1 बार ही जाएगा, 2 बार तो नहीं जाएगा, तो 2.18 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, 9 बार तो नहीं जाएगा, ये आप भी जानते हो, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। पर आपको ऐसा करना पड़ेगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बी ऑप्शन 2.9, ये आप क्या कह रहे हैं भाई, 2.9 कौन बता रहा है ओ बाबू, जब तुम इसका भाग लगा रहे हो इसमें तो 2 बार अगर काट रहे हो तो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14 = 4 = 1, 2 × 2 = 3.464 आ रहा है। अब 5 में से 3.464 घटाओ तो 5 में से 3 घटाओगे 2 बचेगा, 2 में से 0.464 घटाओ तो 1 point something बचेगा। अब जब 1 point something बचेगा तो नीचे भी तो 1 point something है, भाग लगाओगे तो 9 बार जाएगा क्या, ये बी ऑप्शन आंसर कौन दे रहा है भाई रे, अमित कुमार सर बी आएगा प्लीज चेक। हाँ इट मे बी पॉसिबल, क्योंकि पॉइंट है तो चेक कर ले रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भाग लगाकर चेक कर ले रहा हूं, 5/1.732 तो यार 2.8 आ रहा है बेटा, आप कैलकुलेटर से खुद भी भाग लगा के देख सकते हैं सभी लोग अपने फोन में, 2.88 आ रहा है जब आप इसका इसमें भाग लगा रहे हो, 2.18 नहीं 2.88 आ रहा है। अब अगर 2.88 आ रहा है, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, 2.88 अगर आ रहा है तो फिर आपको आंसर जो है ना 2.9 ही ठोकना पड़ेगा। पर इसने ये चीज गलत की है कि इतना कठिन सवाल देकर भी इसने ऑप्शन सही एग्जैक्ट नहीं दिया। देखिए सवाल ऑलरेडी एक अच्छा क्वेश्चन था, और इतना अच्छा क्वेश्चन जब तुमने दे ही दिया है तो कम से कम ऑप्शन जो है वही इज्जत के रख देते, पर इसने ऑप्शन भी बहुत गलत इज्जत के रखे हैं, तो आप इसमें भाग लगा रहे हैं तो 2.88 आ रहा है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होना पड़ेगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी सवाल का आंसर होगा। हाँ भाई मिस्टर स्टार, हेलो सर जी, खुश रहो बाबू, खुश रहो, बताइए बेटा, अभी क्लास ले रहे यूट्यूब वाली, ठीक है ठीक है ठीक आ रहा है तो आंसर क्या होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, 2.9। एक बार आप दोबारा सवाल को समझ सकते हैं कि 60 के सामने रूट तीन होगा, 30 के सामने एक, अगर ये 60 है तो ये 30 होगा क्योंकि पूरा 60 है,
और 60 और 30 और 90 पूरा ट्राइंगल में बनेगा, तो ये 2 और 1 का, 1 और 2 का रेशियो बन जाएगा, और रूट 3 की वैल्यू 300, तो 2 की वैल्यू 600 बटे रूट 3, तो 2 मिनट में यानी 120 सेकंड में इतनी दूरी तय की है, तो 1 सेकंड में इतनी करेगा, अब रूट 3 की वैल्यू रख दोगे 1.7। तो अगर आप एक काम कर सकते हैं, देखिए ये क्या कह रहा है कि 5/, बहुत ध्यान से सुनो, 5/ इसका रूट 3 का पूरा मान मात्र रखो, 1.7 रखो, केवल 1.732 होता है ना, आप 1.7 रख दो, क्योंकि लगभग में वैसे ही होता है, तो आप 1.7 रखो या पॉइंट लगाओ और आप आग लगाओ इसका, तो 17 × 34 दो आ गया यहाँ पे, 16 बच जाएगा, 160 हो जाएगा, तो 17 × 8 = 126 होता है, 156 मतलब 156 होगा ना लगभग, लगभग नहीं, 17 × 8 = 136, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, तो 2.8 के समथिंग मार जाएगा, तो आंसर वही हो जाएगा, ऐसा कर लो, ठीक है, मतलब आपको पूरा यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है, इसका मान आप 1.7 रख दो, तो आंसर 2.9 के इक्विवेलेंट आएगा, यही उत्तर है, ठीक है साथी, यही उत्तर है, थोड़ा है अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है सर, ये क्वेश्चन करवाए थे जीमेट पर आप, हाँ मतलब करवाए होंगे, सुनील एलपी कहाँ की बात कर रहे हो यार तुम भी, मतलब का ये रेलवे का आया हुआ क्वेश्चन है, आप ये समझिएगा, और एक अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे भाई, इसका भी ले लो और इस सॉल्यूशन का भी ले लो, एक गुड क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है सभी साथी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। आयुष राज, यकीन बैच लाइव क्लास कब चालू होता है? 11 से 12 मैथ होता है, 12:30 से 1:30 रीजनिंग होता है, 1:50 से 2:50 BSED की क्लास होती है, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग, जिसमें अभी फिजिक्स पढ़ाई जा रही है, ठीक है चलिए बताइए भाई। कह रहा है कि 5/6 और 3/7 और 8/9 और 3/14 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, अवरोही क्रम। तो पहले तो इसको पता करो कि छोटा बड़ा है कौन, तो 5 और 6 में 1 का अंतर है भाग लगा दो, 3 और 7 में 4 का अंतर है भाग लगा दो, 8 और 9 में 1 का अंतर है भाग लगा दो, 3 और 14 में 11 का अंतर है भाग लगा दो, इसके बाद 11, 4 और 1 का एलसीएम लिख दो 44, 11 × 44, 1 से 44 बार कटेगा, 44 × 5 = 220 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये 4 से 11 बार 33 आ जाएगा यहाँ पर, ये 44, 8 × 32 320, 8 × 32 320, 320 और 32 कितना हो जाएगा भाई, 320 और 32 352, तो ये 352, 11 × 44 चार बार कटा, 4 × 3 = 12, ये आ गया। अब हमें इनको लगाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में, तो सबसे बड़ी संख्या होगी जो सबसे बड़ा नंबर होगा, यानी तीसरी संख्या सबसे बड़ी है, तो 8/9 सबसे आगे लिखो, कॉमा, 8/9 के बाद 352 के बाद 220, 220 यानी पहली संख्या, तो पहली संख्या 5/6 है, तो 5/6 लिखो, फिर 33 यानी दूसरी संख्या, दूसरी संख्या 3/7 है, तो 3/7 लिखो, फिर 12 जो कि लास्ट संख्या 3/14, तो ये इसका क्रम आएगा, 8/9, 5/6, 3/7, 3/14, बी ऑप्शन, ठीक है बी ऑप्शन, ये उल्टा हो गया है, ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि 8/9 से स्टार्टिंग नहीं हो रही, तो ऑप्शन बी सवाल का आंसर है, गुड क्वेश्चन है ये भी, ठीक है भाई। भाई अभी आप लोग कॉल मत करिएगा अभी, बेटा मैं क्लास ले रहा हूँ अभी, जब एक घंटे मतलब आधे घंटे बाद कॉल कर लेना आप, ठीक है। अभी देखिए कोई भी बच्चा भरभराए नहीं, ऐसे कोई घबराना की बात नहीं है, 12 बजे तक ऑफर है आज, अभी 9 बज रहे हैं, 3 घंटे हैं आपके पास, तो ऐसा ये नहीं कि एकदम से आप कॉल कर रहे हैं, क्लास पहले कंप्लीट कर लो मेरे भाई, ठीक है, क्लास कंप्लीट कर लो उसके बाद आप जुड़ लेना, कोई समस्या नहीं, आप कॉल कर लेना। किसी वस्तु को 3,360 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ होता है, 112 + 336 = 30 आ गया, 108 + 324 कहाँ पे लिखा है मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन ए सवाल का आंसर, आंसर। अब कई लोग टेंशन में होंगे, तो मैं क्या करूँ बताओ, स्पीड तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना, नहीं कर रहे तो तुम्हारी गलती है, हम सॉल्यूशन तो बताएंगे बेसिक से, ये बात जरूर है, ठीक है। 12% का लाभ यानी 112% का जो मान है वो 3,360 है, 112% का, हमने क्या किया, 112 + 336 होता है, तो 30 आ गया, 1% का मान, 1% 30 के बराबर हो गया। अब सवाल का कहना क्या है, 8% का लाभ कर प्राप्त करने होते हो, विक्रय मूल्य बताओ, यानी 108% का मान तुम्हें बताना था, तो हमने डायरेक्ट ही गुणा किया था 108 का 3 में, तो 0 आएगा, 3 × 8 = 24 = 4 हासिल दो, 3 × 0 = 0, 2 × 3 = 3, 3240 खत्म, और हमने 3240 नहीं किया था गुणा, हमने केवल ये देखा था 108 + 324 होते हैं, तो 324 कहाँ है, मैंने यही तो कहा था आपसे, वो यहाँ है ऑप्शन ए, मैंने कैसे किया था मैं दोबारा बताता हूँ, देखिए 12 + 36 होते हैं और 112 हो जाएंगे तो 300 और आ जाएंगे, 100 + 300, तो यानी ये नंबर 112 + 30 बार कट गया, तो 108 + 324 ऑप्शन ए इस प्रकार, ठीक है समझ में आ रहा है। अगला सवाल आज की क्लास का आप सभी के सामने, चलिए बताइए आंसर क्या होगा भाई आराम से। अब देखिए ये भी थोड़ा सा अच्छा सवाल है, तो ऐसा नहीं है कि चालान कटवा दो, पढ़ लो पहले सवाल को, रीड कर लो आराम से, सवाल को पढ़ा करो पहले सुकून से भाई। आप लोग क्लास में सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे भाई सभी साथी, एक बार जल्दी से
सभी साथी अपनी लाइक जो है वो क्लास में ठोंक देंगे और एक बार क्लास को शेयर कर देंगे अर्जेंट में, ठीक है सभी साथी। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, दिलदार सजना। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। ठीक है, मतलब क्या ठीक है, सवाल करा रहा हूं ना पहले। पी और क्यू जो है 1400 और 1800 के निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं और बचे हुए हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। लाभ में उनके हिस्सों का अंतर 47 है, तो कुल लाभ जो है वो ज्ञात करिए कितना होगा। तो सवाल प्यारा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं सवाल को पहले, ठीक है, ताकि जगह आ जाए आपके पास सवाल सॉल्व करने के लिए। अब आ जाओ मेरे प्यारे भाई बहुत आराम से। देखिए सवाल ये कह रहा है कि दो लड़के हैं, एक पी है और एक क्यू है। पी लगाता है 1400 रुपया और क्यू लगाता है साथियों 1800 रुपया, ठीक है, क्यू लगाता है 1800। तो इनके निवेश का अनुपात क्या होगा, तो 20 से 20 उड़ा दो, 2 × 7 = 14, 2 × 9 = 18, निवेश का अनुपात होगा 7 और 9। निवेश के अनुपात में अंतर कितने का है, 2 यूनिट का। सवाल में कितने का दिया, 47 रुपए का। 2 की वैल्यू 47 हो गई। सवाल कह रहा है कुल लाभ ज्ञात करिए। अगर 2 की वैल्यू 47 है तो टोटल लाभ 9 और 7 = 16 का है। 16 का पहले मान निकालो, कुल लाभ 47 × 16/2, तो 2 × 8 = 16 मेरे भाई, 8 × 7 = 56 हासिल, 5 × 8 = 32, 32 × 5 = 37, यानी 376 रुपए का लाभ है उनको। लेकिन मेरे भाई ये 376 का लाभ उन्हें तब है जब वो अपना आधा लाभ निकाल के रख देते हैं संचालन के लिए, आधा ही केवल बांट रहे हैं, तो ये आधा लाभ है। हमें निकालना है कुल टोटल लाभ, तो अगर ये आधा है तो सर टोटल लाभ इसका दोगुना हो जाएगा, 76 × 152, तो 752 जो है सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बोलो, 752 जो है वो सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है, जल्दी बताएं साथी, 752 जो है वो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है, जल्दी बोलो भैया। टिंकू यादव, ऋषिकेश कुमार, कौशल सेन, यूबी सिंह, बिल्कुल क्लियर है ना। प्रिया बेटा, नरेंद्र, मनोज सिंह, कौशल सेन, विशाल प्रजापति, राज हेल्डर, सुनील एलपी अपना, और ये क्या बोलते हैं, ममनून अहमद, आदित्य मौर्य, सोनू, धीरज, फुंतरू जी, चलिए सभी लोग आंसर दे रहे हैं। अगला सवाल, वो आधा लाभ था, आधा हमें पूरा निकालना है तो हमें दोगुना करना पड़ेगा। ये बताइए आंसर क्या होगा इस सवाल का, आराम से क्या होगा भाई आंसर। कह रहा है कि 16.4 और 17.2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले दो लंब वृत्तीय शंकु जिनकी आधार की त्रिज्या 8.4 सेंटीमीटर है, इन दोनों शंकुओं को फैलाया जाता है। अच्छा, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr², तो 1/3 π कॉमन ले लो, है ना, और आर स्क्वायर 1/3 πr² और गुणा एच। तो आप इस बात को समझिए कि जब आप आर स्क्वायर यहां लिख रहे होंगे तो आप 8.4 × 8.4 दो बार लिख रहे होंगे, ठीक है, 1/3 πr² और h अलग, इसकी दो शंकु है, दोनों की ऊंचाई अलग है, तो आप इनको जोड़कर यहां अलग लिखिए, h1 + h2, तो 4 और 2 = 6 और 7 और 6 = 13 की 3 हासिल, 1 और 1 2 और 1 3, यानी 33.6 ये h1 + h2 आएगा। ये मैंने क्या किया है पता है, क्या किया है ये आपको समझ में आ रहा है, 1/3 πr² h, यही तो होता है दो शंकुओं का आयतन, तो हम ये जानते हैं कि 1/3 πr² तो कॉमन ही रहेगा, तो
तो हमने बाहर ले लिया, अंदर दोनों ऊंचाइयां जुड़ जाएंगी H1+H2, और ये पिघलाया जा रहा है। और जब भी कोई चीज पिघलाई जाए तो गोला बनाया जा रहा है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो भाई 1/3 π और ये π/3 ये कट जाएगा आपस में। तो मेरे प्यारे भाई आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा मोहब्बत से, यहाँ से पॉइंट हटाइए यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाइए यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, 4 से 84 को काट दीजिएगा 21 बार, ठीक है। तो यहाँ पर ये 21 हो जाएगा, इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे ये 10 हो जाएगा। अब यहाँ 21 है, यहाँ 84 है, यहाँ 336 है। अब देखिए थोड़ा सा जटिल कैलकुलेटिव हो रहा है सवाल, बट आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, समझ लो आप पेपर में। ये आर क्यूब है यहाँ पर, तो क्यूब है तो इधर रूट लगेगा। तो देखिए क्या कह रहा है, 21 × 84 × 336, तो 21 × 84 को हम 21 × 4 लिख देंगे, और गुणा 336, 336 को हम 112 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है, अपने जरूरत के अकॉर्डिंग तोड़ रहा हूं मैं इसको। और नीचे तो 10 × 10 × 10 करोगे 3 बार तो 1000 आएगा, तो नीचे तो 1000 आ जाएगा। और इन सबका ये क्यूब रूट है यहां पर, क्योंकि आर का क्यूब इधर आएगा तो क्यूब रूट लगेगा। अब आप समझिए, आपको यहां से बड़े मोहब्बत से बहुत ध्यान से समझना, 2 बार 21 है, 1 बार 21 और चाहिए आपको, तो 112 को 7 से काट दो, 7 × 7 और 4 बच जाएगा 7 × 42, तो 16 × 7 = 112 आ गया यहां पर। अब देखिए 16 × 64, ये 4 का क्यूब आ गया, और 7 × 21, तो 21 दो बार है और ये 21, तो 21 एक बाहर आ जाएगा, और 16 × 64 से 4 बाहर आएगा, और 1000 से जो है वो 10 बाहर आएगा, ठीक है। तो 21 × 84 / 10, 84 / 10 यानी 8.4 रेडियस है इसकी। पर हमसे तो गोले का व्यास पूछा था, देखिए हमसे पूछा था गोले का व्यास, तो कई लोग 8.4 और उसका उत्तर दे रहे थे। तो याद रखें कि ये रेडियस है 8.4, हमें व्यास निकालना है तो दोगुना करना पड़ेगा, 2 × 8 = 2 × 8 = 16, 16.8 जो है वो इस सवाल का आंसर आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस सवाल का आंसर हो गया। 8.4 देने वाले बच्चों का कट गया, ठीक है, 8.4 देने वाले साथियों का कट गया है। लिटिल बिट कैलकुलेटिव क्वेश्चन, पर जो भी है मैं आपके सामने ही कर रहा हूं, आपको भी ऐसे करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने बजाय इसके कि चीज कठिन है, ऐसी अपनी मानसिकता बनाओ कि सर जो सिखा रहे हैं उसको सीखना है। हमने क्या किया है मेरे भाई, हमें यहां 2 21 दिखे, हमने कहा एक और मिल जाए, तो हमने इसको 7 यहां अलग कर लिया। क्यों 7 अलग किया, तो क्योंकि 7 × 21 और ये 2 21, 1 21 बाहर आ जाएगा। फिर हमने कहा 16 × 64 से 4 बाहर आ गया, आंसर आ गया। तो दिमाग अगर लगाओगे तो एक झटके में हो जाएगा, ज्यादा कठिन नहीं होती है चीजें। अगला सवाल है आप सभी के सामने, बताइए आंसर क्या होगा, पढ़िए सवाल। अब सवाल अच्छे हो रहे हैं मेरे साथी, ठीक है, सवाल बिल भी अच्छे। देखिए आयुष राज एक बच्चा था, अभी पढ़ रहा था, वो जाके सीधा उसने कोर्स ले लिया, पढ़ाई छोड़ दी है, इतने मूर्ख प्राणी हैं। पता है गुस्सा बहुत आता, आप लोग सोचते होंगे पता कि सर ऐसे कोई नहीं बोलता, एक तो आपका कोर्स ले रहे हैं सर, है ना, और सर आप चिल्ला रहे हैं, भाई मेरे लिए ये चीज़ इतना नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने पहले भी बहुत बार बोला है मेरे प्यारे भाई कि मैं टीचर हूँ और मुझे टीचर ही रहना, तो मैं सिलेक्शन दिलवाने के लिए पढ़ाता हूँ केवल। जैसे यहाँ पर अभी एक बच्चा पढ़ रहा था आयुष राज, मैंने अभी उसका नाम पढ़ा था, अभी हो सकता है वापस YouTube पर आए, आप एक बार खुद देख लो मेरे प्यारे भाई। ऐसे ऐसे मूर्ख प्राणी होते हैं कि ये गया सीधा और इसने ये कोर्स दमक दिया जाके, तुरंत पहले कोर्स परचेज कर लिया जाके। इस मूर्ख को आप एक बात बताना बेटा आयुष, कि तुम्हें यहाँ पहले पढ़ लेते और बाद में कोर्स ले लेते तो क्या हो जाता, मतलब हैं क्यों भाई, ये क्लास 20 में छोड़कर जाना, ये तुम्हें लगता है ये तुम सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो। आप बाद में भी कोर्स में जुड़ सकते थे, आप पहले पढ़ाई करते। बाकी बच्चों से भी मेरा यही कहना है, ध्यान रखना, समझो, तुम अभी समझ नहीं पाए हो मुझे, समझोगे, थोड़ा समय लगेगा। एक दुकानदार को हर 4 महीने में एक बार 10% की छूट जो है वो देता है, दुकानदार हर 4 महीने में एक बार छूट देता है। तो यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत एक वस्तु को दिसंबर में खरीदता है इतने में, तो जनवरी में उस वस्तु का मूल्य क्या होगा। बहुत शानदार। अब देखिए दिसंबर होता है लास्ट महीना और जनवरी होता है पहला महीना, और हर 4 महीने में छूट आ रही है, तो एक साल में टोटल 3 ही बार तो छूट आ पाएगी। 4 महीने पहली छूट जनवरी में आ गई, फिर 4 महीने बाद आएगी, है ना, दूसरी, और फिर 4 महीने बाद आएगी, तब तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा साल।
तो कहने का मतलब यह कि ये हर 4 महीने में छूट दे रहा है, तो 4 × 3 = 12, 3 बार छूट आ पाएगी केवल 1 साल में। तो 10% की वैल्यू होती है 1/10, यानी 10 से चीज 9 की होगी, फिर से 10 की 9 की होगी, फिर से 10 से 9 की होगी, यानी 1000 की जो चीज है वो कहीं ना कहीं 729 में दिसंबर में उसको प्राप्त हो रही होगी। सवाल 729 में ना कहकर कह रहा है कि 25,515 रुपए में प्राप्त हो रही है, 25,515, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका वाले सर, उसने सोचा होगा पहले ऐप से बेसिक क्लियर कर लूं। देखो ऐसे लोग और अपनी राय देते हैं अमेरिका वाले, मतलब एक मिनट में, अभी ये क्लास कितने मिनट और चलेगी, मुश्किल से 15 मिनट या 20 मिनट, 15-20 मिनट में उसका जाके एकदम से बेसिक क्लियर हो जाएगा। मतलब ऐसा कुछ मैं उसमें जड़ी बूटी देता हूँ क्यों भाई, मैं भी तो उसमें मेहनत से पढ़ाता हूँ, आराम आराम से पढ़ा के धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपके बनाता हूँ, कि आपने कोर्स ले लिया और एकदम से जड़ी बूटी हुआ क्लियर हो जाएगा। क्यों ऐसी बेमतलब बात करते हो भाई, हैं? 729 की वैल्यू ये हो गई। हमें निकालनी क्या है भाई, जनवरी में मूल यानी 1000 का मान निकालना है। तो 25,515 × 1000, और इसमें भाग लगा देंगे मेरे प्यारे साथी 729 का, ठीक है, इसमें भाग लगा देंगे 729 का। अब ऑप्शन देखो एक बार, कोई भी ऑप्शन पॉइंट में नहीं है और 3 जीरो सब में है, यानी 1000 को नहीं छेड़ना, इससे ये डायरेक्ट कटेगा नंबर, गारंटी से गारंटी है इस बात की कि ये कटेगा, ठीक है। अब जैसे बड़ा है तो पहले 9 से काटो, 9×8=81 बार, इसको 9 से काट लो, 9×2 = 18, आपका यहाँ पे 7 बच गया, 9×8=72, यहाँ पे 3 बच गया, 9×2=18, और 9×3=27, यहाँ 4 बच गया, 9×5=45, ठीक है, 81 आ गया। अब देख लो मेरे भैया, 9 से काट लो, 9×3=27, और यहाँ कितना बच जाएगा, आप कहेंगे सर 1, 9×1=9, 6, अब तो ये 9 से कट नहीं रहा है भाई, 8×2=10, 10×3=13, 13×5=18 कट तो रहा है, 9×3=21, 9×1=9, तो 4×9=45, 315, 9×81, 9 से 315 45 बार कटता है, सॉरी 35 बार, 9 से 315 जो है 35 बार कटेगा, 35×1000 आंसर आ जाएगा 35,000, ऑप्शन सी। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन मिल गया आज की क्लास में आपको, इससे पहले भी वो बैलून वाला अच्छा था, बैलून वाले के अलावा ये वाला सवाल बहुत बढ़िया लगा मुझे, ये वाला, ये मेंसुरेशन का इंपॉर्टेंट डाल दे रहा हूँ जिन पर, वो आप लोग होमवर्क में ले लेना, ये भी सवाल अच्छा है, ये हिस्सेदारी वाला, क्योंकि इसमें दुगना करना है लास्ट में आपको लाभ का। ये लल्लू है, ये भी लल्लू है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है काफ़ी, ये भी बहुत अच्छा सवाल लगा मुझे, तो ये सवाल आपको बढ़िया सवाल आज की क्लास में आपको मिले, ये सवाल भी बहुत बढ़िया है, जनवरी वाला, ये वाला सवाल है ना जनवरी में, ये आपको कई लोग सोचने में इसमें दिक्कत कर देंगे। अब ये देखिए अगला सवाल आया आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, अगला सवाल है आप सभी के सामने ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का सवाल, 10 बराबर कॉट लिखा है, जैसे तुम मेरे भाई ये देखो क्या देखना है तुम्हें, 10 बराबर अगर कॉट लिखा है मेरे साथी, जैसे ही तुम देखो कि 10 और cot बराबर है, तो वैसे ही आप मेरी वो बात याद कर लेना कि एंगल का सम 90 डिग्री सर ने कहा था, 2a + a − 18 = 90, एंगल का सम 90 होता है अगर 10 और cot बराबर हो तो, ठीक है, एंगल सम 90, तो भाई 2a 3a हो जाएगा और 18 जुड़ जाएगा इसमें 98 में, तो ये 108 हो जाएगा, और 36 + 108 होता है, तो एंगल ए का मान जो है वो 36 डिग्री आ जाएगा। तो सवाल कह रहा है कि 2a का मान बताइए, तो 36×2=72 जो है वो सवाल का आंसर आ जाएगा। अरे 2a एक न्यून कोण है ये कह रहा है, तो a का मान बताओ, तो न्यून कोण तो वैसे ही 36 डिग्री, ऑप्शन सी, कोरम कंफ्यूज कर रहा है, मुझे लगा कि ये 2a का मान पूछ रहा है। मुझे लगा कि ये 2a का मान पूछ रहा है, पर ये 2a का नहीं, वो कह रहा है कि 2a एक न्यून कोण है, यानी एक्यूट एंगल है, यानी 90 से छोटा है, और 90 से छोटा तो वैसे ही 36, तो बात सही भी है, और 36 का दुगना भी करोगे जैसे 2a निकालोगे, 36×2=72, तो 36×2=72 है, वो भी तो छोटा ही रहेगा 2a से, ठीक है, बताइए। ये बच्चा क्या लग रहा है, सर आप सरल करें, क्या कह रहा है ये, क्या लग रहा हो मेरे भाई। क्या हो रहा है मन ने, मुझे लग रहा है कल बर्थडे पे केक ज्यादा खा लिया मैंने। सनी साहू, सर आप आंसर के साथ पीडीएफ देते तो और बढ़िया होता, आपको लगता है बेटा कि बढ़िया होता, पर अल्टीमेटली आपका घाटा होता उसमें, क्योंकि अगर आपको मैं आंसर के साथ पीडीएफ देता हूं तो फिर आप क्या करते कि आप ये सॉल्यूशन ही नहीं समझ पाते, आपको जो आपके तरीके से आंसर आ जाता आपको लगता कि मेरा आंसर तो आ गया, पर वो तरीका आपका खराब होता जो कि पेपर में धोखा देता है। तो ये क्लास बेसिकली तरीके के लिए चलते कि किसी सवाल को आप कैसे कर पाए। 10 60 - θ cot 30 + ये तो देखिए बहुत लल्लू सवाल है, ठीक है,
बहुत ही लल्लू सवाल है। अगला बताइए, रूट 10 बराबर 3.16 और रूट 30, ये CBW है भाई आपका, ये बहुत ही आसान, 1060 माइनस थीटा माइनस कॉट 30 प्लस थीटा, इससे हलवा सवाल आई थिंक सो इस दुनिया में बना नहीं है। डायरेक्ट मान रखना है आपको, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, ध्यान रखना। 22 नंबर क्वेश्चन का डिजिटल सम से क्यों नहीं किया आपने, गौरव कुमार साहू पूछ रहा है, 22 नंबर सवाल का डिजिटल सम से क्यों नहीं किया सर आपने, कर सकते हैं आप डिजिटल सम से, मेरा मन नहीं था डिजिटल सम लगाने का, तो मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं आपको, बस आप डिजिटल सम से लगा देंगे तो ये नीचे 7 और 2 9 और 9 और 9 18 का 8 और 1 9, हाँ ये डिजिटल सम से बनेगा नहीं, साइज इसलिए नहीं किया होगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये 9 और 2 11 और 7 18 का 8 और 1 9, और डिजिटल सम में एक कमी है कि नीचे अगर 9 या 3 आता है तो डिजिटल सम नहीं लगता है, ये फिर इसमें बेबी डिजिटल सम लगता है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है, पहले पढ़ाया था मैंने। इस सवाल का आंसर बताइए क्या होगा भाई, आराम से, जैसे 30/9 है तो 3 से काट दो मेरे साथी इसको, पहले 3 से काट दो, तो जब आप 3 से काटोगे 30 को तो 10 आएगा, और 3 से 9 को काटोगे तो 3 आएगा, तो आप इसको फिर अलग लिख दो, ऊपर रूट 10 ऊपर और रूट 3 नीचे, और रूट 10 का मान आप सभी लोग जान रहे हैं कि कितना दिया है, 3.16 दिया है, और रूट 3 का मान आप सभी जान रहे हैं कि 1.732 होता है, अभी आपने देखा, तो नीचे 1 पॉइंट है और ऊपर 3 पॉइंट है, तो गुणा करोगे तो दो बार तो जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा। अब विडंबना देखो आप, कितनी प्यारी विडंबना है, कैलकुलेशन बेमतलब का करवा रहा है कि 1.73 से ये 1.1 बार कटेगा, पॉइंट लगेगा, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, लेकिन जब आप अगला भाग देंगे तो ये लगभग 2 पॉइंट समथिंग तो आएगा नहीं, 3 पॉइंट समथिंग तो आएगा, तो 0 पॉइंट समथिंग बचेगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है, तब तो ये कटेगा भी नहीं, क्यों बाबू? सर रूट 10 का मान दिया है, रूट 10 का मान दिया है तो वही तो यूज किया, 3 से इसको काट दिया हमने, 3 9 30, 3 3 9 काट सकते हैं अपन, 3 से इसको भाग लगा दिया 3 से, और रूट 10 को अलग कर दिया, रूट 3 को अलग कर दिया, रूट 10 का मान दिया है 3.16 और रूट 3 का 1.732 होता है, जब हम इसमें भाग लगा रहे हैं तो 1 बार जा रहा है, अब ये लगभग आएगा आपका 3 पॉइंट समथिंग, तो कुछ नंबर यहाँ बचेगा, तो गारंटी है कि जो नंबर अभी वहाँ बच रहा था वही ऐसा ही सेम यहाँ पे भी सिचुएशन बन रही है, तो ये लगभग 8 और 9 बार जाएगा 1 के बाद, 1 के बाद ये लगभग 8 या 9 बार जाएगा, डी ऑप्शन जो है सवाल का आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, 1.8 के समथिंग जो है इसमें भाग जाएगा, ठीक है। बेमतलब में खांसी हो गई है आपका भाग कितना जा रहा है जरा मुझे एक बार बताना मेरे भाई, सभी लोग क्लियर करके, मैं ये कह रहा हूं कि ये 1.732 है, तो हम इसको अगर 1.7 भी लेट करें और 3.16 को 3.1 भी लेट करें तो 17 एकम 17 बचेगा, लगभग 17 फिर से बच जाएगा, तो 17 8 यानी लगभग दोगुना भाग जाएगा, तो 1.8 के समथिंग भाग जाएगा, 1.9 के समथिंग जाएगा राउंड फिगर में, लेकिन 1.8 एग्जैक्ट आएगा, तो मेरे अकॉर्डिंग 1.8 बार भाग जाना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग कितना जा रहा है मुझे ये बताओ पहले, जल्दी बोलो भाई। सनी साहू सर आप बोले थे बर्थडे पे डिजिटल सम पढ़ा देंगे, बिल्कुल भैया हम बोले थे और हम पढ़ाएंगे भी, बस बर्थडे पे इसलिए नहीं पढ़ा पाए कि साथ के जो हमारे मित्रगण हैं, जो टीचर लोग हैं जो हमारे साथ पढ़ाते हैं ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी, जो ऐप पर पढ़ाते हैं सभी टीचरगण ने, और भी जो टीम मेम्बर हैं आपका कॉल वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें जो लोग करते हैं, सारे लोग जो हैं वो कह रहे थे कि सर कहीं खाना खाने चलते हैं, ये है वो आप जानते हैं, तो ऐसे दिन पर फिर क्या होता है कि अगर आप मना कर रहे हो तो सही नहीं लगता है, फिर मुझे क्लास जो है कल की इसीलिए नहीं ले पाया था, नहीं तो मैं कल की भी क्लास लेने के पूरे मूड में था, ठीक है, तो आप ऐसा घबराइए मत। अच्छा दूसरा एक तरीका यहां पर ये आप और लगा सकते हो कि भाई रूट 10 जो आया ना उसकी वैल्यू रख दो आप 3.16, ठीक है, और नीचे भी रूट 3 था, तो आप एक काम कर सकते हो ऊपर नीचे रूट 3 का गुणा कर सकते हो, इससे क्या होगा ये नीचे 3 आ जाएगा और ये कट जाएगा आपको मालूम है 1 पॉइंट समथिंग के बाद, और इसका मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 × 1 करोगे ना तो 1.8 ये डायरेक्ट यूनिट डिजिट से भी आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगला सवाल है अब आपके सामने, बताइए सिड मैकेनिकल स्टूडेंट सर एक क्वेश्चन बता दीजिए, एक सर बताए समझ नहीं आया, √36% की वैल्यू परसेंट में बता दीजिए, मतलब √36% की वैल्यू इन्हें परसेंट में बतानी है। अब एक्चुअली क्या होता है कि 100% की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है 1, तो हम उल्टा कह सकते हैं कि 1 की वैल्यू 100% होती है, ये कह रहे हैं कि √36% की बताइए, तो पहले ये जो भी बच्चा सवाल पूछ रहा है ये बताओ
कि परसेंट इसके अंदर है 36 के मतलब रूट के, या पर ऐसा लिखा हुआ है रूट 36 और परसेंट आगे, कैसा लिखा है ऐसा या फिर रूट के अंदर? अगर रूट के अंदर ऐसा लिखा हो तो वो चीज लिखकर बताओ जरा, जहां तक है रूट के अंदर ही लिखा होगा, और अगर रूट के अंदर लिखा होगा तो ये 6/10 आ जाएगा फाइनल निकाल के। तो अगर एक एक परसेंट का जो मान है वो 100% है, तो 6/10 का मान कितना हो जाएगा, 100 × 6/10, और बटे में एक आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 60% इसका आंसर आपके सर ने आपको बताया होगा, आप जहां से भी पढ़े होंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, सिट मैकेनिकल स्टूडेंट। सर रूट में है, सिट मैकेनिकल स्टूडेंट, ठीक है रूट में है तो 60% आंसर बताया होगा आपके सर ने आपको, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, बहुत ही लल्लू चीज है मतलब ये तो। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? बस थोड़ा सा वो ये है कि मतलब बहुत ही लल्लू चीज है, आप ऐसे मान के चलिए। ये क्या कह रहा है आप ये देखिएगा कि भाई पी और पी से क्यू 5 किलोमीटर और क्यू से पी 3, तो पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड बताइए। तो ये एवरेज स्पीड क्या होती है, 2xy यानी 2 × 5 × 3, 2xy अपन x प्लस वाई यानी 8, तो 2 × 8 5 × 15 / 4 = 12, 3.1 समथिंग जाएगा भाई, 15/4 आएगा, 4 देख रहे हो आप, 5 × 15/4 नहीं कहा मैंने, 15/4 = 12, 3. समथिंग, डायरेक्ट कैलकुलेशन करिएगा आप। लेकिन ये 8 तो आंसर नहीं होगा गारंटी से, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो सारे नंबर 3 के बाहर लिखे हुए हैं, तो अपना यहाँ पे क्या आया था 15/4 आया था, तो आप काटिए 4 × 3 = 12 हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 × 7 = 28 और 4 × 5 = 20, तो 3.75 डी ऑप्शन जो है वो सवाल का आंसर। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल। सर जी कप सिरप का उपयोग कर लीजिएगा, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका वाले बारात आ गई है नीचे। नहीं बेटा बारात नहीं आई है, मैंने आपको बताया ना गणपति विसर्जन हो रहा है, तो उसी के चलते नीचे प्रोग्राम हो रहा है। ठीक है, नया कुमारी सर पता नहीं आज क्या हो रहा है, पता नहीं आज क्या हो रहा है, सारे आंसर पॉइंट में है। सर जी कल के ट्विटर कैंपेन का कुछ रिजल्ट निकला है, ब्रिज कश्यप। बेटा ब्रिज, मैंने एक बार 3-4 दिन 5 दिन पहले भी बोला था कि बेटा ट्विटर कैंपेन का अब कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, इसीलिए मैंने कल वीडियो नहीं बनाई। मैं जानता हूँ कि अब ये केवल और केवल कोरे का टाइम वेस्ट बच्चों का है, क्योंकि वैकेंसी इलेक्शन से पहले सरकार देगी और अब वो किसी की नहीं सुनेगी, अब ट्विटर कैंपेन करने का टाइम ही नहीं है। अगर कोई सच्चाई पूछे, जैसे मुझसे कोई बात करे एक बार, ट्विटर कैंपेन करने का अब समय ही नहीं है, क्योंकि इलेक्शन होने में आपका नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी 4 महीने बच रहे हैं, मार्च और अप्रैल में जाके आचार संहिता लगेगी और इलेक्शन होगा, और उससे पहले सारी वैकेंसियों की तैयारी हो रही है, उससे पहले सारे वैकेंसी सारी वैकेंसियों की तैयारी हो रही है। आप अभी देख लो, यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है कल परसों, अभी जीडी की आ जाएगी नवंबर में, अभी इसको मेट्रो की आई है एमपी में, हर विभाग में हर राज्य में वैकेंसी आ रही है। रेलवे की वैकेंसी एक सबसे बड़ी वैकेंसी है जो आनी है, कोई भी आदमी कॉमन सेंस से सोचो एक बार, रेलवे की वैकेंसी एक सबसे बड़ी वैकेंसी है सारी वैकेंसियों में से, जिस पर चुनावी एजेंडा टिका हुआ है, इसलिए वो वैकेंसी टिकी हुई है। वो ये चाह रहे हैं कि बस थोड़ा सा समय आ जाए, परफेक्ट वैसे ही लॉन्च कर दें, तो जो बच्चा पढ़ेगा अब उसका सिलेक्शन होगा। आप ट्विटर कैंपेन और ये सब करने का कोई अर्थ नहीं, आप कितना भी कर लो अब कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। और ये कराया क्यों जा रहा है, कि ताकि लोग ये कहें कि देखिए मैंने कितना साथ दिया था आप सभी का ट्विटर कैंपेन करा करा के, और वैकेंसी आ गई, वैकेंसी तो वैसे ही आने वाली है, ये तो कोरे में टाइम वेस्ट है बच्चों का। वैकेंसी कौन, वैकेंसी नहीं आएगी क्या इलेक्शन से पहले, क्या चाह रहे हो आप? इलेक्शन से पहले वैकेंसी वैसे भी आने वाली है, तो अब अपना समय इन चीजों में मत लगाकर पढ़ाई में लगाओ और ऐसी तैयारी करो मैं मेरे भाई कि पहली बार में सिलेक्शन ले लो। ध्यान रखना मैं ऑथेंटिक बात से रूबरू करा रहा हूं आपको, ये समझिए आप मेरी बात एक बार, कि भाई सवाल करा कि 4% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपए जो है एक व्यक्ति जो है वो किसी को उधार देता है,
और अगर वो 6.25% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए किसी अन्य को दे दे तो प्रतिवर्ष उसका लाभ का लेन देन बताओ क्या होगा। तो एक्चुअली क्या है कि प्रतिवर्ष पूछा है ना, तो जो डिफरेंस होगा दर में वही प्रतिवर्ष का लेन देन होगा। तो 4 और 6.25 में 2.25 का डिफरेंस है, तो डायरेक्ट 5000 का 2.25% निकाल दीजिए। हमें साल से मतलब ही नहीं है क्योंकि दर का अंतर ही 1 साल का लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगी, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी और 5 दूनी 10 दो बार कट जाएगा। 224 का आधा 112 होता है, तो 225 का आधा 112.5 होगा, यही उसका प्रति साल का लाभ होगा। ठीक है, 112.5 ये डायरेक्ट तरीका है। सर ऐसा क्यों कर पाए हम, पहले ये बताता हूँ ऐसा कर क्यों पाए। बंटी कब तक आएगी सर, कुछ टाइम तो बताइए। बेटा जनवरी में अगर वैकेंसी आई तो पहले वीक में आएगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, वैकेंसी पहले वीक में आती है आपकी एएलपी की। 14 में भी पहले वीक में आई जनवरी के, और 18 में भी फरवरी के पहले वीक में आई, तो वैकेंसी आपकी पहले वीक में आएगी, तो जनवरी के पहले वीक में या फरवरी के पहले वीक में, ये गारंटी है। आप समझो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, इलेक्शन से पहले आपकी वैकेंसी आना तय है, ये कन्फर्म है, कन्फर्म, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अब चक्कर में मत पड़ो बिल्कुल भी। ठीक है, मैं ये बात ठीक है कि मैंने भी टेलीग्राम पे कह दिया था कि हाँ भाई सभी लोग ट्वीट कर देना, पर मैंने 5-6 दिन पहले ऑनलाइन बोला था सीधा कि अब कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का, अब पढ़ाई करो क्योंकि वैकेंसी वैसे ही आएगी भाई। अब पेपर आने, हर विभाग में वैकेंसी आ रही है, आपकी भी आ रही है, आपकी केवल इसलिए अभी रोके हुए हैं वो क्योंकि ये सबसे बड़ी वैकेंसी आएगी जो अब आएगी, ये सबसे बड़ी वैकेंसी है रेलवे की, तो बड़ी वैकेंसी को रोक के रखते हैं बस वो इसलिए कि ताकि एकदम से लॉन्च करें कि मैंने इतने 1.5 लाख रोजगार दिए हैं, मैंने 1 लाख रोजगार दिया, थोड़ा माहौल बने। जट से समझदारी डेवलप कर लो भाई, उसे भलाई है यार, क्यों लफड़ा कर रहे हो मेरे भैया। ठीक है, कितने सवाल और बचे हुए, मैं ये और देख लूँ जरा। एक तो ये 29 नंबर का बचा हुआ है और एक ये 28 नंबर का बचा हुआ है, तो ये 2 सवाल मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ। ये घातांक और करड़ी का सवाल है और ये सवाल किसका है, ये है टाइम स्पीड डिस्टेंस का। तो भाई ये 2 सवाल मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। ठीक है, ये आपके CVW है, सभी लोग भाई कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताया करें इन सवालों का। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लास पसंद आती है तो जब आप अपना आंसर लिखते हैं कमेंट में तभी आप ये भी बताया करें कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिए तो साथी आज की क्लास उम्मीद करूंगा सभी लोग को अच्छी लगी होगी। सभी साथी ध्यान दें, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि सभी के सभी बच्चे सबसे पहले तो ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से अभी तुरंत, लॉस मत करना, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास इस फीस में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, सभी साथी जो हैं वो ऐप सबसे पहले डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से या ऊपर लिंक के वहां से। ऐप डाउनलोड करने के बाद 12 बजे से पहले, यानी आपके पास टोटल 3 घंटे का भी समय शेष है, आप अपना नंबर वगैरह डाल के OTP वगैरह डालें, स्टोर पे क्लिक करें, यहाँ पे स्टोर पे क्लिक करके बैच आएगा, सबसे पहला आपको यकीन बैच दिखेगा, लोको पायलट के लिए सबसे उमदा क्वालिटी का बैच इंडिया लेवल पर, जिसमें सबसे कम फीस मैं आपको बता दूँ 599 आज की इसकी फीस है। ऑफर आपको पता है कि आज 27 सितंबर है, आज रात के 12 बजे तक ये वैलिड है, इसके बाद इसकी फीस वही हो जाएगी जो अभी तक थी 799 ओरिजिनल, अभी 599 है आज रात के 12 बजे तक। तो बिल्कुल देरी ना करें, सारा मैथ पूरा चैप्टर वाइज बेसिक से, पूरा रीजनिंग सारा कुछ चैप्टर वाइज बेसिक से, सारे सब्जेक्ट जो लिखे हैं टिल एग्जाम की वैलिडिटी के साथ इसमें पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप सभी लोग बिना देरी किए हुए मेरे प्यारे भाई जल्दी से जल्दी सभी साथी जुड़ जाएं इन बैचेस में और अपनी पढ़ाई को एक नया आयाम दें, पूरे दिन मेरे साथ कनेक्ट रहें, अच्छे से मैथ पढ़ें, रीजनिंग पढ़ें, साइंस पढ़ें, मजा करें और गजब तरीके से मेहनत करके पेपर फोड़ के मुझसे मिलने आएं। ठीक है, उम्मीद करेंगे आज की क्लास आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। लव यू ऑल, खुश रहें, ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, नमस्कार, गुड नाइट।